time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GIT contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GIT till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to Good evening everyone. Very good evening to all. Good evening. Good evening to all guys. Kaise hain sabhi log? A very good evening to all. Hello Vedi, hello Seema, hello Aditi, hello Abhinav, Amanjeet, Madan. A very good evening to all guys. Good evening. जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं. आइए, ठीक है, फटाफट. ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस. आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी गेट एमी पीआईएक्सी पे. और जहां अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे प्यारे भाई, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. क्योंकि बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और लिंक को बेटा बेल आइकन को दबाया है ना, आपको हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और सेशन को शेयर करते रहो. ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते रहो और मेरे प्यारे भाइयों, लगातार बने रहो इसी तरीके से, हर एक जोश जुनून के साथ. क्योंकि बेटा, ये जोश जुनून बहुत ही जरूरी है. अगर आपके अंदर ये जोश और जुनून नहीं रहेगा ना, तो फिर मजा नहीं आता फिर पढ़ने का, ठीक है ना. एक लक्ष्य, एक मुकाम चाहिए उसको हासिल करने के लिए, तभी तो शरीर में जोश और जुनून भरता है, ठीक है ना. तो एक लक्ष्य और एक मुकाम आपके शरीर में है और आप कर सकते हो, इतना जानता हूं मैं बिल्कुल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, दिस इज आवर क्लास नंबर 6 एंड दिस इज आवर यूपीपीएससी ए लास्ट मिनट रिविजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस. चलो सभी लोग स्टार्ट करते हैं मिलके. सो माई डियर फ्रेंड, दिस इज द थ्योरी ऑफ मशीन क्लास. एंड थ्योरी ऑफ मशीन क्लास हम बात कर चुके अपने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर दिया है. गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग अभिनव, गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग सभी को. चलिए, सो हेलो गाइस, आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मुझे, 4 times गेट टॉप रैंकर और यूपीपीएससी ए में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ और एमटेक आईआईटी धनबाद से है एंड 8+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा. और आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. गाइज, अगर आपने मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चालू कर दीजिए, ठीक है ना. हाँ बिल्कुल, स्पेशल क्लासेस देखना चालू कर दीजिए बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, आलोक लाइव कोड के साथ. अभिनव से सर क्लास, बेटा वो थोड़ा सा मीटिंग के चक्कर में नहीं हो पाया, ठीक है ना, लेकिन आगे से मैं पूरी पंचुअलिटी बनाकर आपको पूरी कंटिन्यू करूंगा. सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है ना. मॉर्निंग की 11 AM की जो स्पेशल क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी. वो क्लास, मॉर्निंग की स्पेशल क्लास जो चलती है 11 AM पे 11 बजे सुबह, वो कंटिन्यू चलेगी. वो आज से ही कंटिन्यू हो चुकी है, आज भी उसकी क्लास चली है. अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाकर फटाफट उस क्लास को जरूर देखना. ओके चलो भाई, जोश आपको मुझसे, अरे वाह, वेरी गुड अनुपम. ओ गुड इवनिंग चंचल, गुड इवनिंग. ओके तो चलिए बेटा, अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आप आलोक लाइव कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को.
तो अगर आपको स्पेशल क्लासेस अगर मेरी देखनी है फ्री स्पेशल क्लासेस, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? गूगल प्ले स्टोर में जाओ और सर्च करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करने के बाद मेरे प्यारे भाई उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप बेटा। देन उसके बाद आप चूज कर सकते हो अपना गोल, गेट एंड ESE। बिल्कुल राम 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 राम। एंड देन यू कैन सर्च मी गाइस, आप मुझे यहां सर्च कर सकते हैं आलोक झा के नाम से भी या आलोक लाइव के नाम से भी। बिल्कुल देन माय डियर फ्रेंड आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं, मेरे प्यारे भाइयों आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यहां फॉलो करेंगे तो आपको एक मैसेज का बटन दिखेगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो फटाक से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके चलिए, सो गाइज गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए आपके पास ये tinyurl.com/gateuiq है, कृपया करके सभी लोग इसको जरूर खोलें। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, और यहाँ सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये लेक्चर्स, ठीक है? तो आप इसको ओपन करके आप फटाफट 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 पूरी क्लास एक बार में ही पढ़ लो, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों याद रखना है tinyurl.com/gatepyq। चलो सो गाइस आप सभी तैयार हैं, आई थिंक सभी लोग आ गए हैं। अरे वाह सभी लोग आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। और मेरे प्यारे भाइयों अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। चलिए तो पानी पी के शुरुआत करते हैं अपने सेशन का, बिल्कुल धमाकेदार सेशन। मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्वेश्चंस कुछ करवा चुका हूं इससे पहले भी, और आज हमें स्टार्ट करना है, मैंने बोला था इस क्लास से हमें स्टार्ट करना है गियर, ठीक है ना। अरे वाह एवर रेडी, बहुत अच्छे। हाँ कुछ क्वेश्चंस हमारे ये रह गए थे, वो बेटा कैंप फॉलोवर के हैं, तो कैंप फॉलोवर अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, वहां से कर लेना, ठीक है। चलो तो अभी हम गियर करते हैं, गियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बता दूं। चलिए द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिच एच क्या क्या होगा। अरे वाह कन्हैया जी आप भी आए हैं, वेरी गुड। चलिए द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिच, बेटा क्या होता है मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच का प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड्यूल क्या होता है बेटा? डी बाई टी, बिल्कुल सर। और डायमेट्रल पिच क्या होता है सर? ये होता है टी बाई डी, बिल्कुल। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर फटाफट। अरे भाई मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिच है, इतनी हाई स्पीड में क्यों आ गए मेरे भाई? अक्षय अक्षय मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखो, आंसर वन आएगा। अरे रे 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 रे, आप लोग बहुत ही हाई स्पीड में चल रहे हैं। आई थिंक दिस इज द डायमेट्रल पिच, डी बाई डी, मॉड्यूल डी बाई टी। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई कहाँ चले गए? आंसर वन होगा, क्यों इतने जोश में? पाई तो उसका होता है जिसमें सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच का मल्टीप्लाई हो, पाई डी बाई टी इंटू टी बाई डी, तब आता है पाई मेरे भाई। सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच का प्रोडक्ट होता है पाई। ओके देखिए मैक्सिमम बच्चों ने सी का आंसर दिया था, क्यों? क्योंकि सर वो पाई वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है सर, ठीक है, क्वेश्चन पढ़े बिना ही आंसर लगाना है सर। अरे रे 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 रे। ठीक है, द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इन साइक्लॉइडल गियर एच, बेटा साइक्लॉइडल गियर का कैसा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होगा? देखो ध्यान से, समझो ध्यान से बिल्कुल, और आंसर करोगे बिल्कुल ध्यान से। चलो अब एकदम करो बेटा, शतक लगा लो इस क्लास में फटाफट फटाफट। द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इन साइक्लॉइडल गियर, बेटा साइक्लॉइडल गियर क्या होता है? बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा, साइक्लॉइडल गियर में ना दो कर्व होते हैं, साइक्लॉइडल गियर हैव टू कर्व्स, ठीक है ना, साइक्लॉइडल गियर में दो कर्व होते हैं, बिल्कुल देखिए ध्यान से, साइक्लॉइडल गियर में बेटा दो कर्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द साइक्लॉइडल गियर, साइक्लॉइडल गियर का जो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना बेटा,
पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आप देखोगे, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या आएगा। अरे रे रे रे, देखो बेटा, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इनवोल्यूट गियर आर स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, इनवोल्यूट गियर का स्ट्रेट लाइन होगा, इनवोल्यूट गियर का स्ट्रेट लाइन होगा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट साइक्लोइडल गियर का क्या होगा, फटाफट बताओ। इनवोल्यूट गियर, इनवोल्यूट गियर का होगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, इनवोल्यूट गियर का होगा वो। साइक्लोइडल गियर का क्या होगा, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, बताओ जल्दी बताओ बच्चा लोग, जल्दी जल्दी कमेंट में। देखो इसमें ना दो टाइप का होता है, एक होता है एपिसाइक्लोइडल, एक होता है हाइपो, एक होता है एपी होता है, एक होता है हाइपोसाइक्लोइडल, ध्यान रखना। हाँ, लोकस, लोकस इज कर्ड लाइन ना, लोकस इज कर्ड लाइन, या कर्ड लाइन, कर्ड लाइन, कर्ड लाइन ना, या बी इज राइट। चलो, द सर्फेस ऑफ गियर टूथ बिलो पिच सर्किल, बेटा पिच सर्किल के नीचे का सर्फेस क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप पिच सर्किल को जानते हैं, बेटा जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक गियर है, आई हैव अ इनवोल्यूट गियर, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक इनवोल्यूट गियर का ये टीथ है। सो गाइस जस्ट अ वेट, इफ आई हैव, the teeth of involute gear, ठीक ना। तो बेटा जब involute gear का ये teeth है मेरे प्यारे भाई, तो surface of the gear below the pitch circle, जैसे ये हमारा है, ये pitch circle है, तो भाई pitch circle के पीछे देखो, ध्यान से pitch circle के पीछे देखो, तो ऊपर वाला part कहलाता है face और नीचे वाला क्या कहलाता है बेटा, flank। बहुत अच्छे, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे हो। चलो अगला क्वेश्चन है, द ऑटोमोबाइल द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द डिफरेंशियल। देखो बेटा, गियर बॉक्स से डिफरेंशियल, गियर बॉक्स आगे है, डिफरेंशियल पीछे है, तो सर पावर ट्रांसमिट तो प्रोपेलर शाफ्ट करता है। सर प्रोपेलर शाफ्ट है नहीं ऑप्शन में, अगर प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ज्वाइंट। अरे वो है क्या, हाँ बिल्कुल है, लो आंसर बी। सर यूनिवर्सल ज्वाइंट नहीं होता तो, अरे बाबा इसी को तो कहते हैं हुक्स ज्वाइंट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर। चलो, हेरिंग बोन गियर आर, हेरिंग बोन गियर आर, कम ऑन गाइस बताओ मुझे, हेरिंग बोन गियर आर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर बेटा, फटाफट आंसर करो रे बेटा, आंसर करो। हेरिंग बोन गियर्स आर, हेरिंग बोन्स गियर आर, हेरिंग बोन गियर आर, बेटा हेरिंग बोन जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम होता है। किसका नाम होता है, डबल हेलिकल गियर का, और ये क्वेश्चन टाइप यूपीपीएससी में आ सकते हैं। दिस इज द डबल हेलिकल गियर। नाउ फॉर एन इनवोल्यूट गियर द रेशियो पिच सर्किल रेडियस टू द बेस सर्किल रेडियस इज व्हाट। बेटा मैं आपको यहां कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं आपको यहां कुछ सिखा देता हूं बेटा, अब यहां समझने की कोशिश करना, यहां आरपीसी याद करना। ये आरपीसी क्या है सर, R is equal to P into C है। R is equal to P into C क्या है सर, R है बेटा रूट सर्किल, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा बेस सर्किल, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा डिडेंडम सर्किल। ठीक ना, अब इज इक्वल टू पी होता है बेटा पिच सर्किल, इनटू सी होता है बेटा कॉस फाई,
ध्यान रखिएगा। तो बेटा रूट सर्किल, बेस सर्किल, डाया, ये सब जो है ना, यहाँ पे सर्किल डाया है, ये डाया, ये भी डाया, ठीक ना। तो रूट सर्किल डाया बराबर पीस सर्किल डाया इज इक्वल टू कॉस फाई। अगर मैं कहता हूं डाया नहीं होता, रेडियस होता तब भी चलता, बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पीस सर्किल रेडियस टू द बेस सर्किल रेडियस, ना पीच अपॉन बेस करोगे तो आएगा वन अपॉन कॉस फाई, और वन अपॉन कॉस फाई क्या होता है बेटा, वन अपॉन कॉस फाई क्या होता है बेटा, सेक फाई, द आंसर इज सी। अरे भाई पीच सर्किल अपॉन रूट सर्किल कह रहा है ना, पीच सर्किल अपॉन रूट सर्किल या बेस सर्किल आप जो भी कहना चाहो, वन अपॉन कॉस फाई। तो इसीलिए ध्यान रखना आर पी सी, रूट को हम बेस भी कहते हैं, तो पी अपॉन सी, पी अपॉन आर पूछ रहे, तो वन अपॉन सी होगा, वन अपॉन कॉस, दैट इज सेक, दैट इज सेक, वेरी गुड। ये टेक्निक ध्यान रखो, ये एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, यस बिल्कुल, मैं इसको लिखना चाहूंगा यूपीपीएससी। चलो इन अ गियर ड्राइव एडेंडम इक्वल टू, बेटा एडेंडम इक्वल टू, एडेंडम किसके इक्वल होता है, डिजाइन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एकदम, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा यूपीपीएससी एई में डिजाइन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट पूछे जा सकते हैं, तो कृपया करके आप ऐसे चीजों को एकदम ध्यान से, बिल्कुल फटाफट। एडेंडम इक्वल होता है हमेशा एक मॉड्यूल के, ध्यान रखेगा एडेंडम जो होता है मेरे प्यारे भाई हमेशा एक मॉड्यूल के इक्वल होता है। और आपको बताना चाहूंगा डिडेंडम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडेंडम, डिडेंडम जो होता है वो बड़ा होता है एडेंडम से। ऐसा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन सर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिडेंडम में ना हमें क्लियरेंस सर्किल देनी होती है, क्लियरेंस गैप देनी होती है, कुछ क्लियरेंस ऐड करना पड़ता है, इसीलिए ये इससे बढ़ जाता है आगे। तो मेरे प्यारे भाई एडेंडम डिडेंडम दोनों इक्वल थे, बट डिडेंडम में थोड़ा सा क्लियरेंस ऐड हो गया तो उसको हमने कहा भैया तुम बड़े हो गए, ध्यान रखना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो डिडेंडम बराबर एडेंडम प्लस क्लियरेंस, ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो भैया तुम एडेंडम प्लस क्लियरेंस हो, ध्यान रखना इसीलिए तुम बड़े हो। तो अगर क्लियरेंस निकालना हो तो डिडेंडम में से एडेंडम को घटा देना, क्लियरेंस हाथ में आ जाएगा। इस पर गियर विद पिच सर्किल डाया डी एंड द नंबर ऑफ टी द मॉड्यूल एम, मॉड्यूल एम क्या होगा कोई बात नहीं बनाओ बेटा, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल सर, मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ डाया टू द टीथ, पीस सर्किल डाया टू द टीथ। सर मॉड्यूल का यूज क्या करते हैं बेटा, मैं आपको समझाना चाहूंगा, मॉड्यूल इज बेसिकली यूज टू डिजाइन द गियर, गियर को डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अच्छा हाँ सर, तो गियर को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे सर, बेटा मैं आपको बता देता हूं, गियर को अगर हम बात करें, गियर को अगर हमें मतलब डिजाइन करना है इस हिसाब से कि जैसे मान लो लोड के हिसाब से डिजाइन करना है, तो कितने नंबर ऑफ लोड लग रहे हैं, क्या टेंजेंशियल लोड लग रहा है, क्या रेडियल लोड लग रहा है, इनके हिसाब से तो हमें मॉड्यूल पता होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन ये रहा द डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल गियर जो होता है ऑटोमोबाइल में जो कि पीछे होता है लगा हुआ गाड़ी में, आप तो जानते होंगे ना पीछे में ऐसा एक डिफरेंशियल लगा होता है, उसी की बात कर रहे हैं, तो उसका यूज क्या होता है गाड़ी में कोई बताएगा मुझे, बिल्कुल ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में एक साथ पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। फटाफट कमान, फटाफट बताओ। अरे भैया डिफरेंशियल क्यों लगाते हैं हम लोग, ताकि सर हम लेफ्ट घूमना चाहें लेफ्ट, राइट घूमना चाहें राइट, हम सर जिधर घूमना चाहें गाड़ी लेके उधर हम फटाफट घूम सके, बात समझ में आया,
तो हेल्प इन टर्निंग यू कैन यूज द डिफरेंशियल गियर. वेरी गुड अक्षय, हेल्प इन टर्निंग वेरी गुड. कौन बोला अभिनव? बहुत अच्छे. Which of the following gear system have minimum axial thrust? कौन सा ऐसा गियर सिस्टम है जहां मिनिमम एक्सेल थ्रस्ट होता है? ठीक है ना, जल्दी बताओ मेरे को. इस पे एक और क्वेश्चन पूछना है. आप लोग इसके साथ ही साथ एक और जवाब देना, कौन सा ऐसा सिस्टम है इन्हीं में से जहां एक्सेल थ्रस्ट जीरो है. अच्छा, यहां कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सर मिनिमम एक्सेल थ्रस्ट और एक्सेल थ्रस्ट जीरो में डिफरेंस क्या है? बेटा मिनिमम एक्सेल थ्रस्ट का मतलब है कुछ तो वैल्यू है, ठीक है ना, और एक्सेल थ्रस्ट जीरो का मतलब पूरा का पूरा जीरो. या वेरी गुड. मिनिमम एक्सेल थ्रस्ट होता है बेटा डबल हेलिकल गियर में, और एक्सेल थ्रस्ट जीरो कहां होता है कोई बताएगा मुझे? एक्सेल थ्रस्ट जीरो कहां होता है कोई बताएगा मुझे? वेयर द एक्सेल थ्रस्ट इज जीरो. वेरी गुड अनुपम, बहुत अच्छे अदिति. स्पर गियर में एक्सेल थ्रस्ट क्या होता है बेटा? जीरो होता है. इन द स्पर गियर द एक्सेल थ्रस्ट विल बी जीरो. आर यू गेटिंग विद दिस? ना 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 ना. इन स्पर गियर एक्सेल थ्रस्ट जीरो बिकॉज टीथ आर स्ट्रेट. टीथ आर स्ट्रेट क्यों होता है? रीजन इज teeth are straight. In the spur gear, the teeth are straight. Okay, that's why axial thrust zero. अरे मेरे भाई, teeth straight होगा on the axis, तो load कहाँ लगेगा उस पर? अच्छा, bevel gear are used to transmit rotary motion between two shaft. Whose axis? Bevel gear are used to transmit rotary motion between two shaft. Whose axis are? एक्सेस आर क्या होता है? नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लेनर, अरे बाबा पैरेलल, अरे बाबा परपेंडिकुलर, क्या होता है? कम ऑन अक्षय, पूछ रहे हैं मैक्सिमम किसमें होता है? हेलिकल में होता है बेटा. मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट हेलिकल में होगा, डबल हेलिकल में मिनिमम हो जाता है. वेरी गुड, परपेंडिकुलर. मेरे प्यारे भाई, बेवल गियर की कहानी बताता हूं. बेवल गियर में किसी एंगल पे अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, इफ यू वांट टू पावर ट्रांसमिट टू द एंगुलर पावर ट्रांसमिशन, लेट अस सपोज लाइक दिस. So the angular power transmission, you can see with this, okay. तो आप ये देख पा रहे होगे आपके सामने ये बेबल गियर कुछ इस तरीके से बना पड़ा है. इसके अंदर क्या होगा? ये एंगल पे पावर ट्रांसमिट करता है. माई डियर फ्रेंड, अगर एंगल नहीं लिखा है, मतलब यहां लिखा है नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग जरूर होगा, ठीक है ना? क्या होगा? इंटरसेक्टिंग. अब इंटरसेक्टिंग वर्ड जो है पैरेलल में तो नहीं आता, इसमें तो नहीं आएगा. अच्छा, नॉन कोप्लेनर तो हो ही नहीं सकता, ये एंड कोप्लेनर, ये सब पॉसिबल कहां है भाई? परपेंडिकुलर में. अच्छा, बेवल गियर परपेंडिकुलर भी होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब 90 डिग्री पे भी आपस में कनेक्टेड होते हैं. 90 डिग्री पे भी बेवल गियर देखा गया है. तो ऐसे बेवल गियर जो 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट करते हैं और उनका गियर रेशियो 1 होता है, ऐसे बेवल गियर को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो. अरे पंकज बेटा, मैंने भेजा नहीं है ना सोम का पीडीएफ, मैं इस क्लास के बाद तुरंत भेजूंगा, ठीक है ना? एक बार मेरे को क्लास के एंड में याद करा दीजिएगा, क्लास के एंड में एक बार याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ,
गियर रेशियो 1 एंड पावर ट्रांसमिशन 90 डिग्री हो, ऐसे बेवल गियर का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। अरे वाह मेरे मित्र, मित्रे गियर कहते हैं बेटा इसको, ये तो मित्र हैं एक दूसरे के, तो मित्रे गियर कहेंगे ही, ठीक ना। ऐसे बेवल गियर जिनके गियर रेशियो 1 होते हैं और 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट करते हैं। बहुत अच्छे। ए डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज, ए डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज, बिल्कुल डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल, कौन सा गियर डिफरेंशियल गियर में यूज होता है, कौन सा गियर डिफरेंशियल गियर में यूज होता है? मेरे प्यारे भाइयों देखो, इतनी रात गए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, ये बेटा देखो एक चीज बताओ, ये कोई ना कोई संकेत देता है कोई ना कोई भयंकर वाला एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखना बेटा। इस समय पे हर कोई आराम कर सकता था, स्टूडेंट भी कर सकता था, लेकिन नहीं, स्टूडेंट ने कहा कि उनका एग्जाम है। बिल्कुल बी 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 डिफरेंशियल गियर जो है ऑटोमोबाइल में एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर लिखा जाता है। बिल्कुल कामयाब होने के लिए आप मेहनत कर रहे हो और आपके इस मेहनत में मैं आपका साथ दूंगा, इसी वादे के साथ हम लोग इतनी रात में इतने ताकत लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर आप क्लास ले रहे हैं तो कृपया करके बने रहिए और क्लास का मोटिवेशन बनाए रखिए प्लीज, ठीक ना। आगे चलते हैं इसी सेशन को लेकर, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 111, अरे वाह कितना सो अंक है 111। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट अकर ड्यूरिंग मैशिंग ऑफ हेलिकल गियर, हेलिकल गियर का जब मैशिंग होता है ना तो कैसा कॉन्टेक्ट बनता है, जरा सोचा कर लो। हेलिकल गियर होता कैसा है सर? बेटा इंक्लाइंड होता है, क्या हुआ कंपाउंड में डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल, डिफरेंशियल गियर में तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन लगा होता है ना। देखिए व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट अकर ड्यूरिंग मैशिंग ऑफ हेलिकल गियर, फटाफट बताइए, पॉइंट कॉन्टेक्ट या लाइन कॉन्टेक्ट। देखिए एरिया और वॉल्यूम तो होगा नहीं, पूछिए क्यों, क्योंकि सर ये होते हैं हाइयर पेयर, ये ठहरे हाइयर पेयर वाले, और हाइयर पेयर वाले या तो पॉइंट वाले होंगे या तो लाइन वाले होंगे। अरे लाइन टू पॉइंट, व्हाट इज द आंसर मेरे को अभी बताओ। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग मैशिंग ऑफ हेलिकल गियर, जब मैशिंग होता है दो हेलिकल गियर का, जो मैशिंग होता है दो हेलिकल गियर का तो पॉइंट कॉन्टेक्ट बनता है कि लाइन? सर पॉइंट कॉन्टेक्ट बनेगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई पॉइंट कॉन्टेक्ट बनेगा। इनक्लाइंड, इनक्लाइंड जाता है ना, जब इनक्लाइंड जाता है और होता क्या है हमारा इन्वोल्यूट प्रोफाइल, तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल होने की वजह से यहाँ तो पिच पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि गियर एक पिच पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करती है। सर लाइन कॉन्टेक्ट कहाँ बनेगा? बेटा जब टीथ स्ट्रेट होगा उस केस में लाइन कॉन्टेक्ट बनता है, जैसे कि स्पर गियर में जो कॉन्टेक्ट बनता है स्पर गियर के मैशिंग में वो बनता है लाइन कॉन्टेक्ट, समझे। चलिए द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीटर पिच, अब कर दीजिए आंसर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों ने 10 12 15 क्वेश्चन पहले ही कर दिया था। बिल्कुल वेरी गुड, सर्कुलर पिच डायमीटरल पिच, व्हाट इज द प्रोडक्ट सर? पाई डी बाई टी इंटू टी बाई डी क्या होगा सर? बचेगा बेटा पाई, ए इज द राइट आंसर, या ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड स्वरूप, अदिति, एस्ट्रोलॉजर, हा एस्ट्रोलॉजर भाई भी हैं, अक्षय, चंचल, शिवांगी, अरे वाह वेरी गुड शिवांगी, लगी रहो बहुत अच्छे अनुपम। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इफ द सर्कुलर पिच ऑफ ए टूथ व्हील हैव 24 टीथ एंड मॉड्यूल इज 4.25 mm, व्हाट इज द सर्कुलर पिच?
ठीक है ना, जरा मैं देखना चाहता हूँ क्या करते हो। What is a circular pitch? Come on guys. Sir, circular pitch, we know that circular pitch is pi d by t. But in this question, there is a dia is not given. Okay. Or teeth given है. ठीक है, but the module is given. एक बच्चा कहा कि सर मैं जा रहा हूँ मॉड्यूल निकालने, मॉड्यूल से डायामीटर निकालने। मैंने कहा क्या? कहता सर मैं मॉड्यूल की वैल्यू रखूंगा और टीथ का वैल्यू रखूंगा, फिर डाया निकालूंगा, फिर डाया का वैल्यू यहाँ रखूंगा, फिर मल्टीप्लाई करके फिर। अरे भाई तेरे को यही नाक पकड़ना, ऐसे क्यों पकड़ रहा है? सीधे पकड़। डी बाई टी क्या होता है सर? मॉड्यूल होता है। देखिए ना ध्यान से, तो सीधे पाई हम लिख, तो पाई इंटू 4.25, खत्म कहानी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बी इज द राइट आंसर, खत्म कहानी। बहुत ही आसान, एक लाइन में खत्म कहानी। लेकिन कुछ बच्चे तब भी घुमा फिरा के करने की आदत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। गियर का जो ये साइज होता है वो कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है? द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। गियर का साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? सर गियर का ये साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, क्वेश्चन ये है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी में आने लायक। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय पिच सर्किल डायामीटर। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखिएगा, गियर को अगर हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैंने चिंटू को स्पेसिफाई किया चिंटू के नाम से, बबलू को स्पेसिफाई किया बबलू के नाम से, ठीक है ना। जैसे मेरे को कुछ बुलाना होगा, बबलू इधर आओ, बबलू पढ़ाई करो, बबलू इतना करो, ये करो, बबलू वो करो, तो ये क्या मैंने किया मेरे प्यारे भाई? मैंने उसको स्पेसिफाई किया। ठीक ना, तो अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं कहूंगा भैया इतने mm पिच सर्किल डाया का गियर देना, तो ये स्पेसिफाई करना उसको। ठीक ना, तो गियर का जो साइज है ना उसके इस डायामीटर से स्पेसिफाई किया जाता है, पिच सर्किल से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हेरिंग बोन गियर आर। सर कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन टपका है, ठीक ना, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। हेरिंग बोन गियर, दिस इज द डबल हेलिकल गियर। हेरिंग बोन गियर जो होता है डबल हेलिकल गियर होता है, जिसके अंदर जो होता है मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक ना, मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट इन अ डबल हेलिकल गियर। यस, नाउ मेरे प्यारे भाइयों आगे चलते हैं। इन ए गियर ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू, अब यहां क्या होता है, बच्चे कहते हैं कंफ्यूज, कंफ्यूजन। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन के कारण गलती करते हैं। एक बच्चे ने बोला मॉड्यूल क्या होता है, मैंने कहा डी बाई टी। कहता है सर डायमेट्रल पिच क्या होता है, मैंने कहा डायमेट्रल पिच होता है टी बाई डी। अच्छा, कहते सर सर्कुलर पिच क्या होता है, मैंने कहा पाई इंटू डी बाई टी। अच्छा, अब देखना ध्यान से क्या गजब का कंफ्यूजन है। बच्चा बोला सर इसको मैं 1/m लिख सकता हूं, मैंने कहा अच्छा हाँ बिल्कुल। कहता सर मैं इसको पाई m लिख सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल, देख ले डी बाई टी है ये, है कि नहीं? देखो ध्यान से, देखो मेरे प्यारे भाई यहां से अगर मैं बताना चाहूं व्हाट इज द मॉड्यूल, तो मेरे प्यारे भाई यहां से अगर मैं निकालूं तो मॉड्यूल बराबर क्या होगा, 1/PD, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। और यहां से अगर मैं मॉड्यूल निकालूं तो PC/Pi होगा, बोलो हाँ या ना। PC/Pi। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो ये क्या है सर, 1/ डायमेट्रल पिच, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। अरे सर्कुलर पिच अपॉन पाई, अरे अरे रे 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 सी इज द आंसर राइट। सर कौन सा आंसर होगा, सर ए होगा कि सी होगा, अरे बोलो रे बाबा, ये है कंफ्यूजन, ये है कंफ्यूजन। फटाफट आंसर करो मेरे को, मेरे को आंसर बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। आहा बताओ, बोलो रे बाबा, बोलो बोलो बोलो। अरे एमएसक्यू टाइप। अच्छा बेटा देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी एग्जाम में ऐसा आए ना, तो बेटा अगर मान लो चार ऑप्शन रहे ऐसे, अब तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन नहीं, जब ऑफलाइन वाला अगर होता, जैसे चार गोले भरने आते थे ए बी सी डी, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, रे 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 ए बी होगा और सी बी होगा। तो बेटा अगर दो ऑप्शन आप भर देते हो ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाता है। तो कृपया करके आप कोई एक ऑप्शन भरो, टेंशन मत लो, आप एक ऑप्शन भरो, ठीक ना, चेकिंग होगी, वो ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, ठीक ना। कोई एक ही ऑप्शन भरना मेरे प्यारे भाई, दोनों आंसर सही है, ठीक ना।
कोई एक ऑप्शन भरना मेरे प्यारे भाई, और बाकी सब छोड़ देना या ऐसे कर देना, ठीक है ना? बात समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? अब वो क्या देता है रहने दो ना, तुम बस आंसर करो अपना कोई एक, तुम्हारा दोनों सही होगा, ठीक है ना? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिट्रेगियर, मित्रों बताइए आंसर, मिट्रेगियर इज करेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिट्रेगियर इज करेक्ट। ठीक ना, दीज आर इंप्लॉयड फॉर, देखो मिट्रेगियर के दो कंडीशन थे, क्या क्या? कि सर 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करेगा, और सर इसका गियर रेशियो जो है ये होगा 1। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं गियर रेशियो की बात करना चाहता हूं तो डाया ऑफ गियर टू द डाया ऑफ पिनियन इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? होता है भाई। तो बेटा आप देखो कॉमन सेंस, अगर मैं कहता हूं दोनों का डाया इक्वल है, गियर रेशियो क्या क्या होता है? सर टीथ ऑफ गियर टू द टीथ ऑफ पिनियन, अगर गियर रेशियो को और ऐसे लिखना चाहे स्पीड ऑफ पिनियन टू द स्पीड ऑफ गियर, जस्ट उल्टा होता है ना। तो बेटा अगर मैं बात करना चाहूं एनपी अपॉन एनजी जो है वो 1 फॉर दिस गियर रेशियो 1 है, ठीक ना? तो एनपी इज इक्वल टू एनजी हो जाएगा, हाँ या ना? अगर गियर रेशियो 1 है तो स्पीड क्या होगा? इक्वल होगा, तो आंसर क्या होगा? ए होगा, यस और नो? यस और नो? चलो बेटा, स्पीड रिडक्शन वाला जो खेल है ना, स्पीड का रिडक्शन वाला जो खेल है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना? ध्यान रखो, इन अ गियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। इंटरफेरेंस क्या होता है आपको पता है? एक गियर किसी दूसरे गियर के साथ जाकर क्या करता है? इंटरफेयर करता है, और वही मचता है बवाल और वही होता है इंटरफेरेंस। मेरे प्यारे भाइयों, इन अ गियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस क्या होता है? अच्छा होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। इंटरफेरेंस, एक गियर का टिप दूसरे गियर के रूट पे जाकर क्या करता है? इंटरफेयर करता है और डिगिंग एक्शन करता है। क्या करता है? डिगिंग एक्शन, बहुत अच्छे, क्या करता है? डिग करता है। डिगिंग मतलब खुदाई करता है, तोड़ता है, काटता है, पीटता है, अरे बाबा बवाल मचा देता है। हाँ, अरे वाह, आपके सोम की सीरीज बहुत हेल्प की है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन तो मतलब मैं कहूंगा कि भगवान भला करे तुम्हारा कि ये यूपीपीएससी में आ जाए। आप सभी लोग भगवान से जरूर प्रे करना कि ऐसा क्वेश्चन एक आ जाए, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक गियर है 100 टीथ का, ठीक है ना? इस पे टीथ है 100, कह रहा है एक गियर है 25 टीथ का, ठीक है ना? अब इनके बीच में क्या लगा है भैया? एक आर्म लगल है, ठीक है ना? अब ये आर्म है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आर्म है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये छोटा वाला जो घूमते 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 यहां तक आएगा, ये छोटा वाला जो गियर इसे घूम रहा है, कह रहे भाई आर्म का एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा नहीं 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 नहीं, अच्छा क्वेश्चन में और कुछ कहा है क्या? ए गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स, अच्छा ये वाला फिक्स गियर है, ठीक है भाई, एंड 25 टीथ रिवॉल्वेट्स, इन द सेंटर ऑफ द लाइन बोथ आर ज्वाइन बाई आर्म, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल बी गियर 25 टीथ, बिल्कुल फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्म। भाई आर्म का एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, आर्म एक बार घूमता हुआ यहाँ आए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर, कहते हैं कि 100/25 कर दो यही आंसर होगा, दिस इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई बेटा? आपको कुछ नहीं करना होता है, प्लस वन भी करना होता है, आंसर सी होगा, ठीक है? तो आपको प्लस वन भी करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो बिगर टीथ अपॉन स्मॉलर टीथ प्लस वन, दैट्स इट। हिमांशु यादव नहीं आ रहा बेटा, अरे बेटा क्वेश्चन इतना आसान है, कह रहा है देखो ध्यान से, मैं आपको अब दिखा देता हूं, कह रहा है दिस इज द बिगर टीथ, आपको शायद एक गियर ऐसे दिख रहा होगा, दिस इज द बिगर टीथ, एंड लेट अस सपोज ये एक छोटा सा ब्लैक पेन है, ये छोटा टीथ है, ध्यान रखना। अब क्या होगा बेटा, क्वेश्चन सेज कि छोटा वाला गियर इसके ऊपर ऐसे नाच रहा है,
तो कह रहा भाई आहार में अगर एक रिवॉल्यूशन होगा तो गियर जहां से जैसे 25 टीथ यहां रखा है तो ये यहां से घूम के पूरा पूरा यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये अगर घूमेगा, क्योंकि भाई छोटा वाला टीथ भी तो घूमेगा, गियर कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, दोनों टीथ घूमता है बिल्कुल, 25 वाला भी घूमेगा 100 वाला भी घूमेगा। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है आर्म एक बार ऐसे पूरा यहां तक आएगा तो ये छोटा वाला कितनी बार नाच चुका होगा, कितनी बार घूम चुका होगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है हिमांशु यादव, बस उतना ही बोलने आए थे बेटा, बस उतना ही बोलने आए थे बेटा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है कुछ बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है ना। बिगर गियर टीथ अपॉन स्मॉलर गियर टीथ प्लस वन, दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द स्मॉलर गियर। ओके बेटा, तो आप बिगर अपॉन स्मॉलर प्लस वन करके आराम से कर सकते हैं, हाँ इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वेरी गुड। कौन है? अच्छा अदिति, हाँ अदिति, सब जुगाड़ पता है, याद करके रखा है जुगाड़ बेटा, ये जुगाड़ है ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है बेटा, एक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बोला जाएगा कि बिगर गियर पे टीथ है 200, सुनिएगा ध्यान से, और स्मॉलर गियर पे टीथ है 25, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई कि आर्म को हमने दो बार रोटेट किया, आर्म को हमने कितनी बार रोटेट किया, एक नहीं दो बार, ये 200 है, ये 25, आर्म को दो बार रोटेट किया। अब मेरे को आंसर बताओ कि ये छोटा वाला कितनी बार नाचा होगा, इस पे कितनी बार रोटेट किया होगा, कितनी बार रोटेट किया होगा मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी जल्दी देखकर बताओ। द क्वेश्चन इज 200 डिवाइड बाय 25, बहुत ही आसान है, बिगर गियर अपॉन स्मॉलर गियर, 200 अपॉन 25 दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9 इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू 2 दैट इज 18, 18 बार ना कि 10 बार बेटा, 18 बार। 200 टीथ मैंने यहां 200 कर दिया बेटा, ध्यान से देखो, 200 टीथ बड़े पे और छोटे पे अगर 2500 आर्म को दो बार घुमा रहे हो तो अब कितना घूमेगा, 200 बटा 25 बिगर गियर का टीथ अपॉन स्मॉलर गियर का टीथ प्लस 1 इनटू 2। ऐसा क्यों होता है उसके लिए आप मेरी फुल क्लास देख लो बेटा, ठीक ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं पूरा चार्ट बना के पढ़ाया है इसको, ठीक ना। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन करने के तीन तरीके हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब वो तीन तरीका है, मैंने आपको एक तरीका बताया जो सबसे शॉर्टकट है। अच्छा अगला क्वेश्चन, द इंटरफेस और अंडरकटिंग इन इनवॉल्यूट गियर कैन बी अवॉइडेड बाय, इंटरफेरेंस, इंटरफेस नहीं है ये, इंटरफेरेंस है, ठीक है ना गाइस, ध्यान रखना है, इंटरफेस नहीं। इंटरफेरेंस और अंडरकटिंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इन इनवॉल्यूट गियर कैन बी अवॉइडेड बाय, इंटरफेरेंस कैसे अवॉइड करते हैं, देखिए सेंटर डिस्टेंस वेरी करके बाय चेंजिंग द प्रेशर एंगल, वाह, यूजिंग मॉडिफाई इनवॉल्यूट और कंपोजिट सिस्टम, इंक्रीज द एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील एंड रिड्यूसिंग इट फॉर लार्जर व्हील, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, बताना जरा क्या होगा। आंख पे पट्टी बांध के आंसर मत दो मेरे प्यारे भाई, आंख पे पट्टी बांध के आंसर मत देना कि ऑल ऑप्शन लिखा है तो ऑल ऑप्शन मार देते हैं, देखा जाएगा जो होगा, सर तो है ही, सर तो बता ही देंगे। ओह थैंक यू सौरभ गुप्ता, बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, tinyurl.com/gatepyq, आपको ना गेट के क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके ध्रुमिल ने भी आंसर वही किया, अभिषेक ने भी वही किया, वेरी गुड गाइस। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, नाउ गाइस व्हाट इज द इंटरफेरेंस, सर इंटरफेरेंस इज मीनिंग एक टीथ दूसरे टीथ के, एक टीथ का टिप दूसरे टीथ के रूट पे, दैट इज यहां जाकर क्या करेगा, टकराए, ठीक है ना, इंटरफेरेंस। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी कैन इंक्रीज द वेरी द सेंटर डिस्टेंस, ओके वेरिंग द सेंटर डिस्टेंस, ओके नाउ दिस इज राइट, फर्स्ट वन इज राइट, यूजिंग मॉडिफाइड इनवॉल्यूट और कंपोजिट सिस्टम,
बिल्कुल आप मॉडिफाई करा सकते हैं. ओके, मॉडिफाइड सिस्टम, इंक्रीजिंग द एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील एंड रिड्यूसिंग इन द लार्जर व्हील, बिल्कुल सही है. ठीक है ना, दैट मींस आंसर इज डी. अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि पर्पज ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल गियर. गाइस, अभी अभी ये क्वेश्चन कुछ देर पहले हुआ है कि डिफरेंशियल गियर जो होता है ना, ये क्या होता है, मैं आपको अब समझाता हूँ. लेट अस सपोज कि ये क्या है, गाड़ी का मोड़ना है, ये एक रोड है, दिस इज लाइक अ रोड. ओके, ये एक मोड़ है खतरनाक, ठीक है ना. अब यहाँ क्या हुआ, गाड़ी जब मुड़ती है तो इधर वाला जो व्हील होता है वो कम घूमता है और इधर वाला जो व्हील होता है वो ज्यादा टर्न करता है. गाड़ी का जो व्हील होता है मेरे प्यारे भाई, आउटर व्हील जो होता है वो ज्यादा घूमता है, इनर व्हील क्या करता है, कम रोटेट होता है. क्यों? क्योंकि भाई ऐसे रोटेट करना है तो इनर व्हील लेस रोटेशन, आउटर व्हील मोर रोटेशन, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करता है और इनर व्हील क्या करता है, कम एरिया कवर करता है. सो किसकी हेल्प से, तो मेरे प्यारे भाइयों वो डिफरेंशियल की हेल्प से करता है. और डिफरेंशियल काम यही तो है कि टर्न कराना, कहीं कहीं मोड़ पे क्या कराना, टर्न कराना. तो टर्निंग में क्या करता है, हेल्प करता है. तो बेटा यही है आंसर, सी इज द राइट आंसर. कह रहे कौन सा ऑप्शन ट्रू है, अवॉइड कॉन्टेक्ट रेशियो. कॉन्टेक्ट रेशियो होता क्या है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं. कॉन्टेक्ट रेशियो, नंबर ऑफ पेयर आर इन कॉन्टेक्ट विद इन वन एंगेजमेंट पीरियड. व्हाट इज दिस, गाइस लुक एट दिस. अगर मैं कह रहा हूं गियर ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में, लुक एट ऐसे, ठीक ना. तो बेटा एक पेयर ये रहा, एक पेयर का मतलब होता है दो टीथ का आपस में जुड़ना, तो दिस इज द वन पेयर. या उस समय पे कुछ ऊपर वाला पेयर ज्यादा कॉन्टेक्ट, यहां होगा कॉन्टेक्ट, कुछ यहां होगा कॉन्टेक्ट. देख रहा है, दिख रहा है, देखो ऐसे. ओके, सो माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन यही है कि कितने नंबर ऑफ पेयर होंगे. भाई कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है. बिल्कुल आंसर बताइए मुझे. Inversely proportional circular is very good. Inversely proportional module very good. Very directly arc of contact very good. देखो formula ही होता है इसका, arc of contact. D is the right answer. Arc of contact to the circular pitch. तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, arc of contact upon circular pitch को अपन pi m कहते हैं. M for module. Now, my dear friend, you can see this. Inversely proportional to the circular pitch, right. Module, right. Directly proportional to arc of contact, right. Arre wah, ABC all are right. So, D is the right answer. The point of contact which is common between the two pitch circle. Point of contact which is common between the two pitch circle. अच्छा, गियर कौन से पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, फटाफट बता दो मुझे. कौन से पॉइंट पे कांटेक्ट करता है भाई गियर, गियर किस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है मेरे प्यारे भाई. अगर गियर का क्वेश्चन आए और ऑप्शन में कहीं पिच रिलेशन हो, कोई भी पिच वर्ड हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तू कम मारने का मन कर रहा है, तो पिच वाले पे मार, ठीक है ना. कुछ भी होगा, हो सकता है सही हो जाए तुक्के में, ठीक है ना. क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ क्या होगा, है ना. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है बेटा गियर का, वो दो पिच सर्किल के बीच में, वो होता है पिच पॉइंट. वेरी गुड, बहुत अच्छे. देखो क्वेश्चन आ गया, द प्रोफाइल ऑफ गियर इज ए इनवोल्यूट, लाइक हमको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना. With 20 degree, if the length of the path of approach and length of the path of recess are 28 and 25, respectively, what is the length of arc of contact? We know that the arc of contact is equal to path of contact upon cos phi. Okay, mere pyare bhaiyo, what is the path of contact? Sir, the path of contact is the sum of path of approach and path of recess, yes or no? तो बेटा path of approach plus path of recess, अगर इनको हम जोड़ दें, divide by cos 20 degree,
फाई का एंगल क्या है 20 डिग्री है, बस हो गया। तो बेटा 28 और 25 ठीक है ना, ध्यान रखना। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा ध्यान से, मैंने बताया था, क्या बताया था सर, 28 25 कितना होगा 53 बेटा 0.94। मेरे भाई यहां हाथ से सॉल्व करना है, मैंने ये कह रहा हूं ठीक है ना। सो गाइज, इस क्वेश्चन को हैंड से सॉल्व करना है तो आपको आराम से बैठ के ऐसा मत करना, थोड़ा सा फोकस करना और आराम से आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। सो 54.4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ 125, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथ व्हील डज नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। नाउ विच वन इज द नॉट अ क्लासिफिकेशन गाइज, विच वन इज नॉट अ क्लासिफिकेशन गाइज, come on guys, come on, come on, come on, give me the answer, which one is the not a classification according to the type of gearing, according to the type of gearing, yeah, D is the right answer, yeah, not, external gearing is a type of gearing, internal is a type of gearing, rack and pinion is type of gearing, parallel gearing is not a type of gearing, my dear. Yeah, this is right. Very good. Now the next question. The profile of the gear having the module is 12 mm, length of arc of contact is 60 mm. What is the contact ratio? Now the contact ratio is equal to arc of contact upon circular pitch. What is the circular pitch? The pi m. Okay, now. Arc of contact is 60 upon pi into 12, तो क्या होगा 12 से इसको काटो ये 5 बटे पाई, का आंसर 56.38 आया, नहीं बेटा, अरे भाई 53 डिवाइड बाय 0.94 करो ना, अच्छा ये आया क्या, ओहो गलती हो गई, 28 + 25 डिवाइड बाय 0.94, हाँ बेटा इसका तो आंसर ये आया, हमने 54 पे लगा दिया, आंसर इज डी 56.4, वेरी गुड। हाँ इसका कितना आया, इसका आया 1.6, इसका कितना आया 1.6, वेरी गुड। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट इज path of contact upon cos phi, path of contact upon cos phi na, aha inversely proportional to module, where is directly the length of the path of contact, yeah this is right, inversely proportional calculation, no, ah B is the right answer, who says D, why D? Who says D, beta? Okay, आपने contact ratio से देखा है क्या, तब भी inversely नहीं होगा, तब भी directly होगा, अगर आप contact ratio से भी देख रहे हैं तो भी directly proportional to the module or circular pitch, बी इज द राइट आंसर। आप लोग ना ऑल ऑप्शन को देखते ही फटाफट पता नहीं कहां कूद जाते हो कि यार ऑल देखा नहीं लग गए, बस बी इज द राइट आंसर, बस ऑल लिखा होना चाहिए ठीक है ना। चलो
how the normal pitch, axial pitch related to helical gear with helix angle alpha. ये तो टेढ़ा मेरा गियर बन गया भाई. See this. अगर मैं कहूं यहां एक लोड लग रहा है, दिस लोड इज नॉर्मल लोड, ठीक ना. इसके दो कंपोनेंट है. फर्स्ट वन इज अ टेंजेंशियल, सेकेंड इज अ एक्सियल. ओके, नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सियल पिच टू रिलेटेड, नॉर्मल पिच से एक्सियल पिच. इधर एंगल होता है अल्फा, ठीक है ना. नाउ पीएन, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द टेंजेंशियल, आहा, एंड दिस इज द एक्सियल. नाउ गाइस लुक एट दिस, यू कैन सी दिस. इफ आई से कि हमारा जो टेंजेंशियल होगा PT, that is PN cos phi, cos alpha, yes or no? And जो हमारा PA होगा, ये होगा हमारा PN sin alpha. I think मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलती कर दी, alpha ऊपर होता है, alpha यहाँ होता है sir, ना? ये होगा पी ए पी एन कॉस अल्फा, ये होगा पी ए पी टी होगा पी एन साइन अल्फा. हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना. अच्छा मेक मी रीच, अरे वाह वेरी गुड, क्या नाम रखा है बेचारा. ठीक हो, इसका आंसर देखो ध्यान से. एक्सेल पिच को इसने पीसी बोला है, तो मैं इसको पीसी बोलता हूँ. PC बराबर PN cos alpha है क्या, कि है ना आंसर ये. PC बराबर PN cos alpha. अरे बाबा बढ़े हैं आगे, इसने एक्सियल को PC लिख दिया और क्या करे भाई. ओके क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, अरे भाई ये कहां से आ गया. dm by dx is equal to, चलो करो आंसर. चलो भाई इसी के बीच में, टोम के क्वेश्चन के बीच में एक सोम के क्वेश्चन का तड़का लगते हुए. अच्छा यहां से ठीक हो गया, टोम के क्वेश्चन के बीच में दो क्वेश्चन सोम का तड़का लगते हुए. वेरी गुड, दिस इज द सीयर फोर्स, दिस इज द सीयर फोर्स, वेरी गुड. अच्छा बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट इन इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, गाइस दो क्वेश्चन है सोम का, टेंशन मत लो, ठीक है ना. बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ. Sir, the bending moment is the algebraic sum of the movement of the forces on the either side of the points. Very good, very good, very good, very good, very good. Bending moment at any point is equal to the algebraic sum of the movement of the forces on either side of the points. Is that clear? Now, the next question. Which equation does not provide the velocity ratio of the gear? Does not provide the velocity ratio. भाई कौन सा गियर का है, कौन सा ऐसा रेशियो है जो वेलोसिटी रेशियो नहीं बता सकते. सर वो है टीथ का रेशियो. एक्चुअली में टीथ का जो रेशियो होता है ना, वो होता है एक्चुअल गियर रेशियो. ये वेलोसिटी रेशियो नहीं होता, ये क्या होता है, ये होता है गियर रेशियो.
अच्छा सर, डाया कैसे हो गया वेलोसिटी के रेशियो के बीच में? बेटा वेलोसिटी क्या होता है सर? पाई डी एन अपॉन 60, बोलो हाँ है ना? तो भाई वेलोसिटी का रिलेशन डी से भी है और एन से भी है, तो भाई डाया एन तो हो गई। और एन होता क्या है? एन होता है 2 पाई एन अपॉन 60 होता है ओमेगा। तो भाई एन का जो हो गया ओमेगा से हो गया रिश्ता। So see is the right answer. Now, what type of gear is used to connect two intersecting shaft? भाई दो intersecting shaft अभी भी सिखाया था मैंने। मैंने कुछ देर पहले ही सिखाया था, एक फिगर मस्त सा बनाया था और मैंने कहा था बता दो सेरा ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड था, याद करो। याद आया? मेरे से आंसर इज बेबल गियर, बहुत अच्छा। द कर्व फ्रॉम द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द टूथ इज नोन एज। जल्दी बताओ। अरे बोलो। द कर्व फ्रॉम फॉर्म्ड बाय द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द टूथ। ऐसा ऐसा क्या बन गया भाई, क्या बन रहा है? एक्चुअली हमें हमको भी नहीं पता हमें क्या हो गया है। चलो चलिए ध्यान से देखिए बेटा। ऊपर है फेस, नीचे है फ्लैंक। बेटा ऊपर फेस नीचे फ्लैंक, तो भाई ये क्या है? कर्व फॉर्म द फेस एंड फ्लैंक। ये जो कर्व बन रही क्या? अरे सर प्रोफाइल। बेटा एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ी सी तबीयत नासाज, आई थिंक नासाज को तो समझते होगे, ठीक है ना? मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा भाई इतना ज्यादा कैसे हो गया, हाउ कैन दिस पॉसिबल। ठीक है तो मैं जल्द ही मैं दवा ले रहा हूं तो जल्द ही ठीक हो जाऊंगा उम्मीद है, ठीक है? और अभी थोड़ा बीमार हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों की क्लास 4.5 घंटे और 1.5 घंटे का स्पेशल क्लास, तो आई थिंक अभी मैं ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ तो 6 घंटे की क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है ना? जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप लोगों की क्लास की संख्या बढ़ा के 8 घंटे कर दूंगा, ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए। अच्छा तबीयत नाराज है, नासाज नहीं है। द रेडियस ऑफ द पिच सर्किल ऑफ द गियर प्रोफाइल इज 50 mm। फटाफट अरे नहीं विक्रम ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? एक्चुअली क्या हुआ हम तुम्हें बताते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? थोड़ी सी गलती मेरी ही है, ठीक है? तुम क्वेश्चन का आंसर करो, बताएंगे। द रेडियस ऑफ द पिच सर्किल ऑफ द गियर प्रोफाइल इज 50 mm एंड द वैल्यू ऑफ एडेंडम इज 5 mm। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एडेंडम सर्किल, ठीक है ना? द रेडियस ऑफ पिच सर्किल ऑफ द गियर प्रोफाइल इज, पिच सर्किल ऑफ द गियर प्रोफाइल इज, हाँ वेरी गुड। देखो बेटा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये एडेंडम सर्किल है, ये डिडेंडम सर्किल है और ये पिस सर्किल है।
बेटा ये हो गया हमारा पीस सर्किल, तो हो गया 50 mm, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एडेंडम जो है बेटा यहां से ये है हमारा 5 mm, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एडेंडम सर्किल रेडियस, सो दिस इज द एडेंडम सर्किल रेडियस, सो व्हाट इज द एडेंडम सर्किल रेडियस, दैट इज द 50 + 5, दैट इज 55 mm, ठीक है, ध्यान से। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे हमारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। द क्लासिफिकेशन ऑफ द टूथ व्हील इज शोन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, चूज द टाइप ऑफ द टूथ व्हील व्हिच डज नॉट कम अंडर दिस क्लासिफिकेशन। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा बच्चों को, अरे रे रे रे। बाबा क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल 55। The classification of the tooth wheel is shown according to the position of axis of shaft. Guys, now the question is the position of the shaft. Just like a shaft is parallel, shaft is intersecting, shaft is what? Choose the type of the tooth wheel which does not come under this classification. Sir, shaft is parallel, right? Shaft is intersecting, right? Shaft is tangential, wrong. Not intersecting, non-parallel, right? Now the answer is what? Question says, which one is the answer? Choose the wheel which does not come. The question says, choose the wheel which does not come. The tangential is not come. Tangential profile is not come in this classification, my dear friends. Tangential profile is not come in this classification of the axis of the shaft. My dear friend, you can see this. Okay. The profile of the gear having circular pitch of 52 mm and the length of the arc of contact is 80 mm. Determine the module and the contact ratio. Now, my dear friend, you can see this. What is the contact ratio? Sir, the contact ratio is equal to arc of contact upon circular pitch. Wow. What is the arc of contact, guys? Sir, the arc of contact is 80. And what is the circular pitch? The question says the circular pitch is 52 mm. So the answer is contact ratio 80 upon 52. Now the question is what is the module? Aha, circular pitch is equal to pi into m na. So m is what, sir? Circular pitch upon pi. Wow. 52 upon 3.14. बिल्कुल बिल्कुल शुभाजीत, शुभाजीत डोम कंप्लीट हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन, आप वो पढ़ लो आपका सही हो जाएगा। 1.54 16.55, सो द आंसर इज 16.55। मॉड्यूल पहले पूछा है भाई, पहले पूछा है मॉड्यूल, देन पूछा है कॉन्टैक्ट रेशियो। चलो सी इज द राइट आंसर, थैंक यू। चलो 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो के हिसाब से कौन इनकरेक्ट है भाई? कॉन्टैक्ट रेशियो के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है मेरे प्यारे भाई? कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? इज द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, यस सर राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, नो सर रॉन्ग। Inversely proportional circular pitch, yeah, right. Inversely proportional module, yeah, right. So question says incorrect बताने का, incorrect तो option number B है।
इनकरेक्ट क्या ऑप्शन नंबर बी। चलो द रेडियस दैट कनेक्ट द रूट सर्किल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ। गाइस लुक एट दिस रूट सर्किल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ, मतलब भाई यहां कह रहा है प्रोफाइल ऑफ द टूथ तक पहुंचने के लिए। एंड द रूट सर्किल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ एज, सॉरी ये तो ये प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल सॉरी प्रोफाइल इज दिस। ओके जैसे ये हमारा गियर टीथ है, क्वेश्चन सेज दिस, क्वेश्चन सेज दिस गाइस। अरे कोई नहीं छोड़ दो, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए टीथ है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे है टीथ हमारा, और ये जो है हमारा बेटा, यहां हमारा कुछ दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा बेटा, दिस इज द प्रोफाइल। ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये सब क्या होगा बेटा, सब होगा प्रोफाइल ना, ठीक है ना। ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा प्रोफाइल। अब कह रहा बेटा कि रूट पे इस साइड से उस साइड, तो बेटा ये जो है ये हमारा कहलाता है बेटा फिलेट रेडियस। क्या कहलाता है, फिलेट रेडियस। एक टीथ के खत्म होते ही प्रोफाइल पे पीछे की ओर देखना है, दैट इज द फिलेट रेडियस। आंसर नंबर बी। चलो अभी करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथ व्हील डू नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कर दो रे बाबा। चलो क्वेश्चन का आंसर करो, हो जाएगा जो तुम लोग चाहते हो अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो बेटा टेंशन मत लो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अरे वाह, Which of the following tooth will do not come under the classification according to the position of the teeth on the gear? ठीक है ना, यहाँ कह रहा है do not come, position of the teeth. Inspiring quotes, बेटा थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग कॉलेज के मामले में देख रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी के मामले में, तो बेटा थोड़ा सा और कर लो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत और पार्ट आपको पढ़ना पड़ सकता है कि आपके कॉलेज के सिलेबस में, हाँ लेकिन जो टॉपिक पढ़ा है आप लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के हिसाब से ठीक है, हो सकता है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया, आप लोग वहां से क्वेश्चन करेंगे तो बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और इतना करने के बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट पड़ता है तो आप लोग हमें मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक ना। कौन सा कम नहीं होता, क्या बोला गया आंसर इसका, सीडी 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 कर रहा है सभी लोग, व्हाट इज द आंसर, कर्व्ड, बिल्कुल स्ट्रेट टीथ है, इंक्लाइंड है, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल है, ये नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन ट्रेस बाय ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। गाइस लुक एट दिस द क्वेश्चन, Which of the following curve is obtained trace by a point on the circumference of the circle which rolls without slipping on the fixed straight line? Guys, look at this, the point. Fixed straight line, that is the cycloidal. Cycloidal mein karte kya, main aapko batata hun. This is the fixed straight line and we have a roller. Okay, this roller is rolls without slipping. और वहां क्या करता है, वो एक प्रोफाइल बनाता है,
And this profile is called cycloidal profile. And this profile is called cycloidal profile. Are you getting me? Are you getting this? Guys, this roller rolls without slipping. If this roller rolls without slipping, so we can say that this is the pure rolling. This is the pure rolling. ये क्या कर रहा है बच्चा? ये कर रहा है pure rolling कर रहा है. बिल्कुल. Now, which term define the surface below the pitch surface of the gear tooth? Which term define the surface? Guys, look at this. अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी एक teeth है, ठीक है ना? कोई भी teeth है और pitch surface के respect में अगर आप देखोगे, then don't take tension. मैं आपको यहाँ एक ऐसे profile बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है ना? Let us suppose आपका उंगली है. आप अपने उंगलियों पे जाओ, ध्यान से देखो. You can see with your finger. आप अपने finger पे देखो, तो यहाँ बीचों बीच एक pitch circle है. Let us suppose यहाँ एक pitch circle है. वैसे बीचों बीच नहीं होता, clearance छोड़ दो तो बीचों बीच होता है. इन clearance add करोगे तो addendum बड़ा होता है, addendum छोटा होता है. Okay, now पीछे की ओर देखोगे, so that this surface below the pitch surface, that is flanked. Very good. For a slider crank mechanism, the velocity and acceleration of the piston at the inner dead center will be, guys, velocity and acceleration of the piston. Now, my dear friend, you can see this, the velocity and acceleration of the piston. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये formula नहीं याद है इनका? कितने ऐसे बच्चे जिनको इनका फॉर्मूला याद नहीं है? मैं अभी याद करा दूंगा. आई प्रोमिस यू गाइज, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका फॉर्मूला याद नहीं होता? आई प्रोमिस यू गाइज, मैं अभी के अभी याद करा दूंगा. कई सारे बच्चे हैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइज, लुक एट दिस. This is the piston velocity and piston acceleration. Okay, so सुनिए, आ रहे हो? Trick shy, very good. Guys, see this. Be serious, please see this, guys. Now, guys, we know that V is equal to R omega. Yes, sir. Guys, we know that acceleration is R omega square. Yes, sir. So the first clue is R omega and R omega square. आपको दिमाग में रखना है, ये तो हम बचपन से जानते हैं भाई, v इक्वल टू r ओमेगा होता है और एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर होता है. ये तो बचपन से जानते हैं, 11th क्लास के बुक में था, फिजिक्स में. नाउ डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास ये आया, तो हमको याद कैसे रखना है? बेटा आपको एक प्लेस ध्यान देना है, थीटा 2 थीटा n. आप देखो नीचे भी थीटा 2 थीटा n, ये तो है ही. बस टेंशन क्या है कि साइन किस में होगा, कॉस किस में होगा. दूसरा टेंशन क्या है, n किस में होगा, 2n किस में होगा. बिल्कुल. तो सर सबसे बड़ा टेंशन है साइन का. देखिए बेटा, ये v फॉर क्या है सर? ये है वेलोसिटी. हमने कहा अच्छा, हमने कहा ठीक है. अच्छा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है भाई. अच्छा, वेलोसिटी के जैसा कौन होता है सर? वेलोसिटी के जैसा होता है एक स्पीड. हाँ या ना? वेलोसिटी एक वेग है तो स्पीड एक चाल है. वी नो दैट, we know this, ठीक ना? सुनिएगा ध्यान से, velocity and speed is same. मतलब ऐसे तो नहीं same है, लेकिन एक मामले में बोलूं तो velocity और speed एक जैसे ही है, ठीक है सर? ध्यान से देखिएगा. अरे ये क्या, अरे सर ये ऐसे, हाँ velocity speed एक जैसे है. तो भैया velocity में speed आए, तो बेटा यहां से आपको पकड़ना है स्पीड का एस, और यही एस भागता हुआ जाएगा साइन के पास. यही एस भागता हुआ जाएगा भाई साइन, तुम कैसे हो? तो भाई वेलोसिटी में भागता हुआ कौन आएगा? साइन. तुरंत दिमाग लगा, अच्छा वेलोसिटी वी फॉर वेलोसिटी, एस फॉर साइन. ठीक है भैया, वेलोसिटी का स्पीड, स्पीड फॉर साइन. बट हो गया कहानी. सर एक्सेलरेशन में कॉस कैसे आया? बेटा हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी. भाई डीवी बाई डीटी होता है तब तो एक्सेलरेशन आता है. हाँ सर आता है. नाउ माय डियर फ्रेंड सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना? डीवी बाई डीटी सुनिएगा ध्यान से.
तो भाई साइन थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? साइन का डिफरेंशिएशन होता है क्या? कॉस। आर यू गेटिंग विद दिस? साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस। नाउ माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस। अरे भैया सोने से पहले एक बार देख लो, बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। साइन डिफरेंशिएशन करोगे साइन का तो क्या आएगा? कॉस। ओके सर, तो याद रहेगा कि एक्सेलरेशन में क्या आता है? कॉस। नाउ सर थर्ड प्रॉब्लम इज सर n लिखें कि 2n लिखें, इसमें कंफ्यूज होता है। नाउ मेरे प्यारे भाइयों अगर मैं ऐसे लिखता हूं, व्हाट इज दिस सर? दिस इज c। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं क्या है ये? सर एक c है। मैंने कहा अच्छा, कहता है सर ये एक c है। मैंने कहा गुड। मैंने कहा अब बताओ, कहता है सर एक c सीधा है, एक c उल्टा है। c अल्फाबेटिक थर्ड लेटर a b c, c है वो, c एक c है। यहां कितना c? सर एक c सीधा है, एक c उल्टा है। कितना c है? सर दो c है। कितने c हैं? दो c हैं, बस एक सीधा एक उल्टा है। सर अगर इनको जोड़ दें तो बेटा ये क्या बन जाएगा? सर अगर इनको हम जोड़ दें आपस में ना, तो एक c ऐसे दूसरा c ऐसे, ये बन जाएगा s। आर यू गेटिंग दिस? अगर एक c ऊपर एक c नीचे दोनों ऐसे चिपक जाए तो बन जाएगा s। तो साइन जो होता है बेटा ये क्या है? 2। और cos के आगे क्या लगेगा? 1। तो बेटा साइन अगर लिखा है तो n के आगे लगेगा 2, और cos लिखा है तो उसके आगे 1। आर यू गेटिंग विद दिस? आर यू गेटिंग विद दिस गाइस? लुक एट दिस, आर यू गेटिंग विद दिस? मैंने क्या बताया, मैं आपको बताता हूं। मैं तीन चीजें बताऊंगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। v इक्वल टू r ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो हम बचपन से जानते हैं। वेलोसिटी स्पीड के जैसा है, तो स्पीड का एस पकड़ा और एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, फटाफट आ गया आपका। नाउ एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, सर बचपन से जानते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं भैया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस आ गया। Now, सर अगर c लिखे तो 1, एक c, और दो c लिख दें तो वो बन गया s। तो कितना c लिखे? दो c, तो 2s, a, 2 हो गया। तो भाई साइन में दो c है तो n के आगे 2 लग गया, cos में एक c तो n के आगे एक लग गया। अच्छा आपको फील हो रहा होगा कि आपको याद नहीं हुआ है, आपको लग रहा होगा अंदर से आपको याद नहीं हुआ है। आप सभी लोग कृपया करके अपनी कॉपी खोलें और लिखने की कोशिश करें, आप लोगों को याद हो गया है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको याद हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा सूरज ने, मैं करता हूं बेटा ऐसा कोई जुगाड़ कि एक पूरी क्लास फॉर्मूला ट्रिक से ही कर देता हूं। आपको याद हो गया मैं कह रहा हूं, कृपया करके आप लोग अपने कॉपी पेन उठाइए और एक कागज पे लिख डालिए। अरे कोई भी कागज हो, हाथ नहीं है कागज पेन लो, हाथ पे ही लिख लो, लिखो तो कोशिश तो करो, या आंख बंद करके सोचने की कोशिश करो अच्छा क्या क्या था, तो याद आएगा आर ओमेगा था। अच्छा वेलोसिटी होता है स्पीड के इक्वल, स्पीड फॉर साइन, अच्छा साइन यहां था, साइन यहां था, अच्छा यहां थीटा होता है, यहां टू थीटा होता है, यहां एन होता है, अच्छा प्लस तो सब में होता है, अच्छा साइन में कितना है? दो सी है, तो दो लिख दो, खत्म कहानी यार, याद हो गया। एक्सेलरेशन, अरे सर बहुत आसान है, आर ओमेगा स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय सी, एक है तो एन हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आज ये पहली बार ये फॉर्मूला याद हुआ है, या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरे ट्रिक से ये फॉर्मूला आज भी याद है? तो कृपया करके आप सभी लोग एक हर्ट का निशान जरूर भेजिए, एक हर्ट का सिंबल जरूर भेजिए। अगर आप लोग को पहले से ही मेरा ट्रिक याद है, मतलब मैंने ये ट्रिक आई थिंक मेरे को याद है कि ये ट्रिक मैंने 5-6 महीने पहले बताई होगी, मेरे को याद है ना ये ट्रिक मैंने 5-6 महीने पहले बताई होगी, ठीक है ना? अगर किसी को याद भी होगा तो, और उसके बाद मैं आज ही बता रहा हूं। गिव मी द हार्ट, गिव मी द हार्ट, गिव मी द हार्ट, गिव मी द हार्ट। अरे वाह, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया, वेरी गुड। जितने ज्यादा हर्ट होंगे, जितने ज्यादा दिल का निशान आएगा, जितने ज्यादा दिल का निशान आएगा उतना ज्यादा मैं समझूंगा, बिल्कुल। हाँ हाँ थैंक यू अदिति, वेरी गुड अमन, वेरी गुड अनुपम, बहुत अच्छे।
Aha, very good, very good, very good, very good, very good. Thank you so much, guys, for your love. फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को तो यूं उड़ा देंगे। आहा, अरे वाह, अच्छे जितना था सब उठा के ले आया, बताओ सारा उठा के ले आया, जितना था बताओ भाई, जितना था सब 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 डाल दिया। वेरी गुड, इतना ज्यादा प्यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साहिल से सर कनेक्टिंग डॉट का फॉर्मूला याद नहीं रहता, उसमें याद करने के लिए है ही क्या? ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन, खत्म कहानी, इसमें याद करने के लिए है ही क्या? ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। साहिल बेटा, साहिल डोंट टेक एनी टेंशन। अरे बेटा कन्हैया, तुम और तुम्हारी मुर्गी, कहाँ ये सब भेज रहे हो, दिल मांगा है तो मुर्गी भेज रहे हो। चलो चलो तो बच्चा लोग, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये सब ट्रिक तो होता रहेगा ना। मैंने क्या बताया ना, फॉर ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिन्स टर्न एट इनर डेड सेंटर। बेटा इनर डेड सेंटर पे, हाँ इनर डेड सेंटर पे, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, इनर डेड सेंटर पे थीटा क्या होता है बताना जरा। इनर डेड सेंटर पे थीटा होता है बेटा जीरो डिग्री। अब थीटा होता है जीरो डिग्री तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, वेलोसिटी हो गया जीरो, ठीक ना, वेलोसिटी हो गया जीरो। वेरी गुड, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे पंकज, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सभी लोग पंकज को हैप्पी बर्थडे कर दो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहिल। अरे वाह, चलो तो गाइज अगर थीटा जीरो रखें, कॉस कॉस जीरो यहां रखें तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा भाई, तो यह आएगा आर ओमेगा स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस वन अपॉन एन, आर ओमेगा स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन। बहुत अच्छे, तो बेटा देखो ना ये क्या है, वन प्लस वन अपॉन एन कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन आर ओमेगा स्क्वायर, तो भैया यहाँ क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है ना। चलो चलो भैया, हो गया। द क्रैंक रेडियस ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज 10 सेंटीमीटर, कह रहा भाई क्रैंक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। If the crank radius is increased by 12 meter, 12 meter, नहीं 12 centimeter, ठीक है ना, the stroke length will be, बेटा थोड़ा ध्यान से, पहले 10 centimeter था, अब radius हो गया बेटा 12 centimeter, पहले 10 centimeter था, अब हो गया 12 centimeter, क्या आया इंक्रीज, कितने बाई से हुआ स्ट्रोक लेंथ, बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, 12 माइनस 10 बटा 10 इंटू 100, अरे भाई पहले 10 था 12 हो गया, 20% बढ़ गया और क्या, कितने से इंक्रीज हुआ, 20% बढ़ गया। चलो भाई चलो पंकज, चलो पंकज को आज हम उसके बर्थडे पे गिफ्ट देंगे, जो सोम के क्वेश्चंस कराए ना उसका पीडीएफ देंगे। पंकज चलेगा, बिल्कुल देखते रहो ध्यान से, लिस्ट वन लिस्ट टू,
सो गाइस आपको यहाँ क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इसको मैच करना है और आपको आंसर करना है. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लगातार लगे रहो जबरदस्त तरीके से. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. लिस्ट वन लिस्ट टू. क्या होगा फ्लाईव्हील का टर्निंग मोमेंट? हाँ सर. बी का टू कहां है सर? बी सी में है, ए और डी गलत है. अरे वाह, तो डी का फोर होगा, इनर्सिया फोर्स स्पीड कंट्रोल करता है. क्या ये सही है? अरे रे 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 रे, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं इनर्सिया फोर्स कहां से स्पीड कंट्रोल करेगा भाई, ये भी तो होगा. हाँ ये सही है, इनर्सिया फोर्स डी लैम्बर्ट. वही तो मैं कहूँ भाई, ये ऐसे हो गया तो फिर तो बवाल मच जाएगा, फिर बेचारा हमारा गवर्नर क्या करेगा सर? गवर्नर करेगा. डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड. अच्छा देखो क्वेश्चन आ गया. अरे रे 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 रे, बच्चा लोग हम लोग गवर्नर में इंटर कर चुके हैं तुम्हें पता है ना. द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, अच्छा अभी फ्लाईव्हील चल रहा है, ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ N1 एंड N2 द कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस. बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. ये कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस कहलाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी. सुने हो ना, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सेंसिटिविटी, सुने हो ना, उसका जस्ट उल्टा. हाँ तो बेटा स्टेडीनेस क्या होगा? स्टेडीनेस होता है मीन स्पीड टू द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ठीक है ध्यान रखना, मीन स्पीड अपॉन फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. अच्छा जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला है. अरे बताते हैं काहे परेशान, बी होगा ना. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलो अगला करो जरा. बताओ द पावर ट्रांसमिटेड बाय सर्कुलर शाफ्ट. अरे बाबा दो लाइन चाहिए, दो लाइन चाहिए. कितने बच्चे हैं जिनको दो लाइन चाहिए? बस 150 हो जाएगा दो लाइन आ जाएगा. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दो लाइन का इंतजार है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दो लाइन का इंतजार है? जल्दी से जल्दी बचाओ, जल्दी से जल्दी बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दो लाइन का इंतजार है. हाँ बी. हाँ नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को करो गाइस. बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे.
आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आ तो रही है, इतनी अच्छी, इतनी सुनहरी प्यारी आवाज, इतनी सुनहरी। अरे बाबा आ रही है, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, अब आएगा 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 आएगा। नहीं 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 नहीं, आएगा आएगा आएगा, आवाज तो जरूर आएगा। चलो तो मैं आज आपको एक, मतलब हम लोग क्या हुआ, हम आपको अपने बारे में बताते हैं, अपने क्या हम सभी के बारे में, अपने जीवन के बारे में बताते हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल कोयल जैसी आवाज आ रही है, वेरी गुड, आ रही है ना आवाज, बहुत अच्छे। चलो तो सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब मैं आपको दो लाइन सुना ही देता हूं, ठीक है ना। तो सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए फटाफट, दो लाइन गेट के नाम पे सुना। गेट के लाइन पे तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो गेट के लिए है बेटा, ये तो गेट के लिए है बेटा, ठीक है ना। और एक बहुत ही मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरा कह लो मेरा, मेरे दिल में लग जाता है, आप सुनोगे शायद आपको भी लग जाए। क्योंकि देखो बेटा, आप जब छोटे थे तब तो आपने पढ़ाई की, मस्ती की, फिर धीरे 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 बड़े होते गए। जीवन जो है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, जीवन टफ होते चला जाता है, चिंताएं बढ़नी शुरू होती हैं, और जिंदगी ना एकदम मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसे परेशान हो जाता आदमी, मतलब कहता है यार, मतलब स्ट्रगलिंग, जैसे आप एक स्टूडेंट इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगलिंग फेस में आप इस समय। तो उस समय में आप अभी नहीं, आपको अभी लग रहा है ना कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं शांत सुकून शांति में आ जाऊंगा, नहीं आओगे। परिवार की टेंशन, हर चीज की टेंशन, बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन, सब कुछ, ठीक है ना। तो अभी सुनाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस मैं कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के करीब है, वो चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हर एक बंदा इस जीवन में, इस पृथ्वी पर हर एक बंदा सोचता है कि काश मैं भी वो बच्चा होता, काश मेरा वो बचपन वापस आ जाता, ठीक है ना। तो वो काश वर्ड जो है ना, काश यार ऐसा हो जाता, ये काश वर्ड हमारी जिंदगी में रह जाता है, ठीक है ना। तो जिंदगी में इसीलिए कहा जाता है कि हर पल पे, हर समय पे खुशियां बांटो और खुश रहना सीखो हमेशा, हर समय हर मिनट पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ज्यादा नहीं, दो मिनट लूंगा। अच्छा, डीमोटिवेशन फील करते हैं, अरे तुम सुनो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, रियलिटी, दिस इज माई फेवरेट गाइस, दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट पोएम। काश काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा। काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा मैं और क्या ये दिल खोएगा, कब थोड़ी सी खुशी मिलेगी और कब ये दिल रोएगा। काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, फाड़ सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, फाड़ सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, अरे जोड़ता कुछ पन्नों को जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है, अरे हिसाब तो लगा पाता कि कितना खोया और कितना पाया है। काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, अरे वक्त से आंखें चुरा कर पीछे चला जाता, वक्त से आंखें चुरा कर पीछे चला जाता, टूटे हुए सपनों को फिर से अरमानों से सजाता।
कुछ पल के लिए ही सही मैं मुस्कुराता, काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा मैं और क्या ये दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी और कब ये दिल रोएगा, काश जिंदगी सचमुच की किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होता। ठीक है ना, सो दिस इज माय फेवरेट 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 गाइस, बहुत ही मतलब ये आप कह सकते हो कि ये मतलब ये मेरे को बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट वाला आप कह सकते हो पोयम है। ठीक है ना, बिल्कुल नो बेटा, दिस इज नॉट अ शायरी। ओ हेलो मोहम्मद, ठीक है, जो बीत गया है, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह बहुत अच्छे। चलें क्वेश्चन कर लिया जाए अब। चलो नाउ माय डियर फ्रेंड वी विल सी दिस, विल सी दिस गाइस, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके नाउ द टर्निंग मोमेंट डिलीवर बाय द फ्लाईव्हील हेड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। द टर्निंग मोमेंट, और एक हो जाए, अरे हेलो डे टू डे लाइफ, ना माय डियर फ्रेंड यू कैन से दिस, द टर्निंग मोमेंट टी इज इक्वल टू 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच डिलीवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू द मीन टॉर्क। गाइस लुक एट दिस, व्हेन द डिलीवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू द मीन टॉर्क, सो द डिलीवर्ड टॉर्क इज 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन टॉर्क। Guys, look at this. When you can solve the mean torque up and you can find the value of mean torque. So, my dear friend, what is the short trick to find the mean torque? Wo value choose karo. Choose this value where is there is a no theta component in this. Koi theta component na ho yahan. To beta, ye kya 14,000 is the mean torque. Yahan koi theta na ho. 7,000 ke saath theta hai na, sine theta. Okay, now. So this is the mean torque, so you can equate this. This is the short trick. Yes, short trick hai find karne ka mean torque. So you can cancel out. So 7,000 sin theta is equal to 0. So sin theta equal to 0. So theta equal to 0 degree, then 180 degree, then 360 degree. Wow. So the answer is A. Okay. अरे रे 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 रे। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 148, द पर्पज ऑफ द फ्लाईव्हील इन एन आईसी इंजन इज, द पर्पज ऑफ द फ्लाईव्हील इन एन आईसी इंजन इज, द पर्पज ऑफ द फ्लाईव्हील इन आईसी इंजन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाईव्हील, to regulate the fuel supply, to keep the output power constant at the crankshaft, to increase the power transmit capacity, to reduce the vibration, no sir, to reduce the vibration, sir wrong, this work is for vibration isolation, ye work karta hai vibration isolation, to increase the power transmit capacity, no sir, to keep the output power constant, yeah sir, this is right, to regulate the fuel supply, sir, this is the work of governor, not a flywheel. In underdamped vibration system, the amplitude of the vibration
with reference to the time. In underdamped vibration system, guys, look at this. Underdamped vibration system, amplitude of the vibration with respect to time. What is the underdamped vibration system, guys? You can see this. There is a three types of vibration system. एक होता overdamped, overdamped. एक होता है critically damped. The vibration question will start at now, and then next is the underdamped. Vibration question start हो गया, guys. Overdamped, critical damped and underdamped. Now guys, look at this. Overdamped, critical damped and underdamped. Overdamped, look at this. Overdamped mein jo hota hai, zeta is greater than 1. Critical damped, zeta is equal to 1. And underdamped, zeta is less than 1. What is the zeta? Sir, zeta is nothing but this is the damping ratio. This is the damping ratio. What is the zeta, guys? Guys, agar aapne like button abhi bhi nahi dabaya hai, so please hit the like button, guys. So please hit the like button. Okay. Now, in the underdamped system, underdamped vibration system, amplitude of the vibration. Now, guys, look at this. If the system is underdamped, the amplitude is very, very high. ओके एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा बट माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन पूछ रहा है इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज लीनियरली डिक्रीज एक्सपोनेंशियली क्या होगा अब समझने की कोशिश करो यू कैन सी दिस व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है हम थोड़ा सा आपको फील कराते हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हम थोड़ा सा आपको फील कराना चाहते हैं मैं आपको फील कराना चाहता हूं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड गाइस लुक एट दिस ओके अरे बाबा पाप करने को नहीं कहा था पुण्य करो पुण्य फल मिलेगा पुण्य करो रे बाबा पुण्य चलो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड गाइस लुक एट दिस जैसे मान लो आप कोई भी मतलब आप देखते हो कोई भी सिस्टम है जैसे मान लो कोई सॉकर जैसे कोई सॉकर है जैसे गाड़ी में हमारे बाइक में हमारे सॉकर लगा होता है शॉक एब्जॉर्बर कार में हमारे शॉक एब्जॉर्बर लगा है किसी भी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर लगा है नाउ If the shock absorber is damaged, shock absorber वो shock absorb नहीं कर रहा, वो damage हो चुका है system is damaged. तो system damage है तो क्या होगा? एकदम नीचे जाएगा और system slider ऊपर आएगा बोलो हाँ या ना? तो भाई यहाँ क्या होगा? Amplitude is very very high. Amplitude is very very high. एकदम नीचे जाएगा तो एकदम ऊपर आएगा. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जैसे किसी bus में बैठते हो तो आपको कोई ब्रेकर आता है तो बस वाला धीरे से ऊपर की ओर उठाता है ब्रेकर पे ठीक है ना बेटा ऐसा क्यों होता है क्योंकि शॉकर टूट चुका होता है या शॉकर खराब हो चुका होता है तो आप देखते होंगे बस ऐसे झुकती हुई फिर ऊपर अटती हुई फिर नीचे आती होगी तो शॉकर अगर ढीला है या शॉकर खराब होने की कंडीशन पे है तो शॉकर महसूस होता है ठीक है ना बस पूरा ऊपर नीचे होती है ठीक है ना ध्यान रखना तो माय डियर फ्रेंड इफ द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजेस द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड अच्छा एम्पलीट्यूड समझाता हूं अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे तो यहां बहुत सारे एम्पलीट्यूड है यहां ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना ये छोटी छोटी हर वर्टिकल लाइन एम्पलीट्यूड है सारी एम्पलीट्यूड है बट सारी एम्पलीट्यूड को हम लोग ऐसे नहीं कंसीडर करते हैं, हमें एक एम्पलीट्यूड चाहिए तो हम कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस दिस इज द एम्पलीट्यूड इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं तो बेटा ये वेव कब ऊपर नीचे ज्यादा होगा जब अंडरडैम्प्ड होगा इफ द सिस्टम इज अंडरडैम्प्ड ठीक ना इफ द सिस्टम इज वेट 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 डियर वेट वेट डियर वेट If the system is underdamped, if the system is underdamped, if the system is underdamped, so my dear friend, look at this. If the system is underdamped, so the amplitude is more. Now, one student asked me, are you sure this is increased? So my dear friend, you can see this. Amplitude is what? Sir, the formula of the amplitude is, you can see this, my dear.
ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर टोटल होल स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन. नाउ माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एम्पलीट्यूड. सर द एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जीटा. इन द अंडरडैम्ड केस जीटा इज लेस देन वन दैट मीन्स जीटा इज मिनिमम वैल्यू. If the zeta is minimum value, amplitude is increases. If the zeta is minimum value, amplitude is increases. Are you getting with this? Are you getting with this? Who says? Ridge. Are you sure amplitude is high? Yeah, amplitude is high. In the underdamped system, amplitude is high. Because, my dear friend, in the underdamped system, if the amplitude is high, that's why we can use the omega upon omega is 1. That means, that's why we can see this. This is the system is the resonance. Okay? If the system is the resonance. Agar main kehta hun, agar system resonance condition pe chala jaye, at the any value of the zeta, at the any value of zeta, अगर सिस्टम रेजोनेंस में चला जाए ना तो एम्पलीट्यूड इनफिनाइट हो जाएगा. लेट अस सपोज जीटा इज वेरी 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 मिनिमम 0.01 लेट अस सपोज एंड ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज सेम. सो यू कैन सी दिस द सिस्टम इज वेरी 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 हाई एम्पलीट्यूड. Omega upon omega n is same, is equal resonance condition. So 1 minus 1 is 0. So this is cut out and this is very small. So 2 into very small. So very small value and the square is very, very small. The root is small. So this is the very, very small. So some value f naught by s divided by very, very small. So amplitude is very, very high. You can see this. Are you getting with this, guys? आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? इन द अंडरडैम्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विथ रेस्पेंस टू द टाइम. व्हाट इज द आंसर? कम ऑन गाइस. हाँ, रेजोनेंस मींस बवाल. या अगर रेजोनेंस होगा सिस्टम में बवाल मच जाता है, ध्यान रखना. तो इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड, बट द एम्पलीट्यूड इंक्रीज कैसे कैसे इंक्रीज होगा? लीनियरली और एक्सपोनेंशियली. एम्पलीट्यूड एक ग्राफ है. एम्पलीट्यूड एक ऐसा ग्राफ है. दिस इज द इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. टैंकर में कौन सा वाइब्रेशन? बेटा टैंकर में एक्चुअली बताऊं, मैं आपको समझाता हूं. हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझाते हैं. साहिल, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, आप में खुद ही समझ जाओगे. अगर आपने AK-47 वाला एग्जांपल आपको ध्यान हो, सभी को AK-47 का एग्जांपल ध्यान है कि भाई देखो, अगर सिस्टम ना स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है तो सिस्टम क्या है? अंडरडैम्प्ड. सिस्टम हाई रिस्पॉन्स कर रहा है तो सिस्टम ओवरडैम्प्ड है. सिस्टम वेरी वेरी हाई रिस्पॉन्स कर रहा है, सिस्टम क्रिटिकल डैम्प्ड. समझ में आया बात? मतलब स्लो रिस्पॉन्स का मतलब है, जैसे मान लो तुमने अपना लैपटॉप ओपन किया. अब तुम्हारे लैपटॉप में, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरे लैपटॉप भाई थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप है, SSD है, तो वो फटाफट क्या हो जाता है, मतलब मेरे को याद है जब मैं खरीद रहा था तो कह रहा था कि गिनो उंगली पे गिनते रहो, सातवें सेकंड तक ये ओपन हो जाएगा. मतलब क्लिक किया और 1, 2, 3, 4, 5, 6 सातवें तक पहुंचते ही ओपन हो जाता था. लैपटॉप इज रेडी टू यूज. नाउ कुछ लैपटॉप पे हम लोग क्लिक करते हैं और बैठे रहते हैं, भैया ओपन हो, है ना. पता चले खाना बना के खा पी लिए आराम से, है ना, किचन में बैठ के आराम से खा पी रहे हैं. अच्छा ठीक है भैया आओ फिर, हाँ ओपन हो, ठीक ना. इज अ वेरी 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 स्लो रिस्पॉन्स. सर लेकिन बुक में डी आंसर,
बेटा डी आंसर है, आई डोंट नो अबाउट द डी आंसर, क्या कह रहे हो? डिक्रीज एक्सपोनेंशियली अंडर डैम्पिंग सिस्टम, सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड, सो डेटा इज ग्रेटर. ओ शिट सॉरी, एम्पलीट्यूड ना जीटा लेस होगा, ये ऐसे है बिल्कुल, ऐसे ग्राफ, ऐसे जीटा ऊपर बढ़ेगा एम्पलीट्यूड घटेगा. ना ना ना, बी इज राइट, बी इज राइट डियर, बी इज राइट. बी इज राइट डियर शशांक, आई एम श्योर शशांक, आई एम श्योर. Why I'm sure? मेरे पास इसका भी रिप्लाई है शशांक, यू कैन से दिस. यहां जो होता है ना जीटा सबसे कम होता है इन दिस थर्ड लाइन, जीटा इज लेस, जीटा इज वेरी वेरी मिनिमम, लाइक 0.2, जीटा इज 0.5, जीटा इज 0.9. सो यू कैन सी दिस 0.9, मतलब ये धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, जीटा की वैल्यू 1 के आसपास आ रही है और 1 से ऊपर उठने वाली है. Means system critically और overdamped होने वाला है. So my dear friend, you can see this, कि अगर मैं इसका amplitude देखूं तो इसका amplitude छोटा होता जा रहा है, इसका amplitude देखूं तो इसका बहुत बड़ा है. Okay, that's why. Okay, Shashank, I am right. Shashank, I'm sure. Shashank, don't take tension. Song goes says infinite explain sir. Okay, just a bit. I am explaining something. क्या मैं explain कर रहा था कुछ? हाँ, yeah. Tanker वाला question पूछा था उससे शाहिल ने. उसका मैं पहले answer कर दूँ. तो मैंने कहा एक system बहुत ही slow response करता है, एक system बहुत ही high response करता है, एक system होता है जो very very high. That is the critically damped. जैसे मान लो सामने दुश्मन की सेना खड़ी है और हमारी भारत की सेना खड़ी है भाई, अब फटाफट गोलियां चलनी चाहिए, ठीक ना? बंदूक से जो गोली निकलती है ना, अगर उसने थोड़ा सा समय लेकर चलना चालू कर दिया ना तो बवाल मच जाएगा, ठीक ना? AK-47 में हम लोग क्रिटिकली डैम्ड करते हैं, फट से चलता है, ठीक ना? एक बार चला फिर तुरंत तैयार रहेगी दूसरी गोली. ऐसा नहीं कि सिस्टम को फिर से खींचा, ऐसे पकड़ा, फिर ये हुआ, तब तक पता चले दूसरी चल जाए उधर से, ठीक ना? तो सिस्टम इज वेरी 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 वेरी. ओके, तो माय डियर फ्रेंड, AK-47 ऐसा होता है, ओवरडैम्प्ड क्यों होता है? ओवरडैम्प्ड ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा होगा. जैसे मान लो जो आजकल तुम देखते होगे मतलब गन लगा के जो पिस्टल होता है, पिस्टल लगा के जो चलते हैं साइड में पुलिस, ठीक ना, SI वगैरह लोग, तो आप उनको देखते होगे वो यहां रखते हैं, ठीक ना, प्रॉपर रखते हैं उस बैग में और उसका एक लॉक करके रखते हैं. आप देखते हो गन में एक लॉक रखा था, वो गन सारे ओवरडैम्प होते हैं, ठीक है ना? ओवरडैम्प ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो उसमें होता क्या है, गोली चलती है पीछे से मतलब वो भी गिरता है, उसका छल्ला होता है गन का, वो गिरता है, फिर से चलती है, फिर से गिरता है, फिर से चलती है, फिर से गिरता है, ठीक ना? ऐसा भी होता है, कही गई तो होती है. आजकल तो ऐसा आ गया सीधे चली और निकल के जाकर सीधे लग गई, दैट्स इट, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा. अच्छा ना, हाँ मैं क्या कह रहा था बेटा, अब अगर हाँ उसमें क्वेश्चन आया था मेरे सामने सर टैंकर में, बेटा टैंकर अब किस स्पीड से काम कर रहा है, तो टैंकर को बेटा क्रिटिकली डैम्प्ड तो नहीं बना सकते. टैंकर को हम लोग देखेंगे तो या ओवर डैम्प्ड होगा या अंडर डैम्प्ड होगा. तो टैंकर जो होता है ना बेटा बहुत ही लेट रिस्पॉन्स के साथ चलता है, ठीक है ना? टैंकर वगैरह जो चलता है वो जो हमारा, अब किस टाइप के टैंकर की बात करो, टैंकर में बहुत सारे टैंकर्स हैं, ठीक है ना? मतलब क्या चलना है उसमें ये भी तो मैटर करता है. जैसे वो चल रहा है भाई, किसी को तोप से उड़ा रहा हूँ भाई, तोप वाला जो होगा अंडर डैम पे रहता है, ठीक है ना? एक हुआ फिर उसके अंदर फिर डालते हैं, फिर अगला चलेगा, दैट इज अंडर डैम, जो लेट रिस्पॉन्स हो इसमें, ठीक है ना? अगला क्या है, सरकार में भी तो देते हैं डैम्पिंग, बिल्कुल देते हैं. अच्छा इनफाइनाइट एक्सप्लेन करें अंडर डैम्प सिस्टम का एक बार ना गाइस, लुक एट दिस, क्या नाम है, शॉम घोष डियर, यू कैन सी दिस. मैंने एक बकायदे इसका एक ग्राफ बताया,
आपने डालना, मैंने इसी नाम से पढ़ाया, फोर्स डैम्ड वाइब्रेशन सिस्टम बाय आलोक झा अनअकैडमी, ठीक ना। या मैं काम करूंगा, मैं वाइब्रेशन की क्लास का मैं पूरा लिंक आप लोगों को डाल दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट है उसका एक लिंक डाल दूंगा, ठीक ना, आप लोग के अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक ना, मैं उस पे डाल दूंगा, आप लोग आराम से वहां देखना। और या तो कहोगे कि मैं एम्पलीट्यूड वाला जो ये वीडियो है, वीडियो का मैं लिंक सीधे डाल दूंगा। एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ बनता है ना, ओमेगा अपन ओमेगा एन के साथ, मतलब मजा आ जाता है देखने में, आप लोगों को फील आ जाएगा कि वाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने में मेरे को 1.5 घंटा लगता है, ठीक ना। ओ थैंक यू ऋषय, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहिल, साहिल हो सकता है, डोंट टेक टेंशन, हो सकता है साहिल जो आप कह रहे हैं हो सकता है, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। ए थ्री रोटर सिस्टम हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नोगेज थ्री रोटर सिस्टम क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये थ्री रोटर सिस्टम क्या है भाई, गाइस लुक एट दिस, लुक एट दिस, द नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए थ्री रोटर सिस्टम में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस रोटर नंबर ऑफ रोटर माइनस वन करना होता है, नंबर ऑफ रोटर माइनस वन, बस इतना ही करना है, थ्री माइनस वन दैट इज टू, बहुत आसान है ये सब रोटर सिस्टम, मैंने वहां पढ़ाया है, ओके। सो गाइस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जो है ना, कल सुबह 8:45 AM एक्सईडी का पेपर है, एक्सईडी का एक्सईडी क्लास है, व्हाट इज द एक्सईडी बेटा, यहाँ भी सोम ही चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है सोम क्वेश्चंस, ओके, सो यू कैन सी दिस। और अगर आप देखना चाहते हो आपके यूपीपीएससी एई के लिए, फॉर 11 AM, फॉर 11 AM ऑनवर्ड्स, गाइस लुक एट दिस, 11 AM आपके सोम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फॉर यूपीपीएससी एई आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि 8:45 AM की क्लास में जरूर आओ, ताकि मैं आपको बता सकूं लिंक आपको कैसे मिल रहा है, और मैं वहां लिंक आपको क्लास के बीच में ही दे दूंगा, टेंशन मत, ठीक ना। तो 11 AM सोम का यूपीपीएससी एई की क्लास है, और ये क्लास 90 मिनट की होगी, ध्यान रखना, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगली क्लास कल होगी, टुमारो, ये सारे कल की क्लास बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास कल से बेटा मशीन डिजाइन चलेगा, ध्यान रखना, मशीन डिजाइन फॉर यूपीपीएससी ए 4:30 पे। तो सर रेस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ टोम का होगा बेटा, वो होगा स्पेशल क्लास में, टेंशन मत लो, वो होगा स्पेशल क्लास में, टेंशन मत लो। साहिल से एक्सईडी का क्वेश्चन लेवल बहुत डिफिकल्ट होगा, साहिल तुम मेरी क्लास में आओ ना, लिटरली बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत 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 बहुत, तुम मेरी क्लास में आओ, एक बार तो क्लास में आओ, देखो ना कितना मजा आता है बेटा, तुम क्लास में आओ, तुमको अगर मजा ना आ जाए, क्वेश्चन का धज्जिया ना उड़ा दो तो कह देना, ठीक ना। या अगर डर लगता हो तो आज रात में 2-4 वीडियो मेरे देख लो एक्सईडी के जो मैंने पढ़ाए, मजा आ जाएगा सीरियसली। सब कुछ मिलेगा। Now, my dear, why you can calculate the natural frequency of any system? Guys, natural frequency find करना, उससे हमें पता चलता है कि सिस्टम की लाइफ आगे चल के कितनी रहने वाली है, या सिस्टम कितना डैमेज होने वाला है, या क्या हो सकता है सिस्टम पे, या मैं ये पता कर सकता हूं कि सिस्टम में कितना मतलब मॉलिक्यूल्स का लेवल वाइब्रेट हो रहा है, जिससे कि अगर मैं इसके ऊपर अगर वर्क करूं तो सिस्टम में क्या क्या डैमेज हो सकता है। तो अपने सेफ्टी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए हम लोग फर्स्ट वी कैन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतना इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके ऊपर गैलीलियो, न्यूटन, डी एल एम्बर्ट और रेले ये सारे दौड़ते हुए आए और इनका पूरा पूरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाला। फर्स्ट वी कैन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसी सिस्टम पे
मैक्सिमम सेफ्टी कंडीशन हमारा क्या है भाई, उसका वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। दैट व्हाई वी कैन फर्स्ट वी कैन फाइंड द या वी कैन फाइंड दिस, दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। भरा था बट पढ़ने डर लगा इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो बेटा, एक्सीडी में मैं साहिल तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूं कि तुम्हें डबल डिजिट में रैंक ला सकते हो अगर तुम आज से भी पढ़ना चालू कर दो, डबल डिजिट में रैंक ला सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप मेरा साथ रहो, मेरा साथ दो, आपको जो जो बोलता हूं वो करो, आई प्रॉमिस यू आपका डबल डिजिट में रैंक आएगा, ठीक ना। बहुत मजेदार सेशन होता है, ठीक ना। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको जो दिख रहे हैं, रेस्ट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो इसके रह गए हैं, ये 50 क्वेश्चन बेटा अब आपका आपका स्पेशल सेशन में हो जाएगा। सो गाइज इफ यू वांट टू जॉइन अवर प्लस और आइकॉनिक, तो बेटा प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्लस लेते हो ना, तो बेटा प्लस में आपको आपके फेवरेट एजुकेटर, आप जिससे पढ़ना चाहते हो, एक ही सब्जेक्ट को आप जितने फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो या जिस फैकल्टी से आप फेवरेट मानते हो उनसे पढ़ो, ठीक ना। हर चौथी क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होगी, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करोगे टीचर से, वीकली टेस्ट मिलेगा बेटा, क्रैश कोर्स होता है बेटा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इंग्लिश हिंदी बैचेस मिलते हैं बेटा, रैंक इंप्रूव करने के लिए बैचेस मिलते हैं बेटा, सब मिलता है बेटा। वीकली टेस्ट जो कि यूट्यूब पॉसिबल नहीं है, डाउट सॉल्विंग यूट्यूब पॉसिबल नहीं है, क्रैश कोर्स बेटा आपको मैं बता रहा हूँ ना, रिविजन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो बेटा लेने का, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो अनअकैडमी पे, मुझे मैसेज कर लीजिए या मेरा रेफरल कोड यूज करिए आलोक लाइव, यू कैन यूज माई रेफरल कोड आलोक लाइव, ठीक ना, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, प्लस के साथ साथ आइकॉनिक ले लो, प्लस आइकॉनिक वाले को तो प्लस पूरा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सनल कोच भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, स्टडी प्लानर भी मिलेगा, अरे बाबा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ध्यान से क्या कह रहे हैं सर, कुछ टॉपिक बताए ये जहां से क्वेश्चन फिक्स आते हैं सोमतोम में। बेटा किस एग्जाम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, मैटर वो भी तो करता है, आप गेट के लिए बात करो या यूपीपीएससी एई के लिए बात करो जो एग्जाम अभी होने वाला है। सर मैकेनिकल के पेपर का सोम और एक्सी का पेपर का सोम का लेवल क्या सेम होता है और सिलेबस सेम है क्या? सूरज बेटा लेवल अगर मैं बात करना चाहूंगा तो एक्सी का मेरे हिसाब से पेपर इतना टफ नहीं होता, ठीक ना, और सोम का वो वाला भी टफ नहीं होता, थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, टॉपिक आप लोग बस सोचते हो घबरा जाते हो। हाँ पंकज अभी थोड़ा सा और डिले हो गया, लेट हो रहा है पंकज, मैं बता रहा हूँ क्लास में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं कल भेज दूं, पंकज चलेगा, कल भी तुम्हारा बर्थडे ही रहेगा। अच्छा सब कुछ मिलेगा बेटा, आप ना मेरी 11 बजे कल सुबह वाली क्लास में आओ ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में, आप मेरी स्पेशल क्लास में आओ, 11 बजे वाली क्लास में आओ, ठीक ना, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक ना। अभी बेटा टाइम हो रहा है, चलते हैं, ठीक ना, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा, ठीक ना। आप लोग आप इंड में आए, इतने इंड में आए तो क्या बताऊं बेटा, ठीक ना। सोम और टोम के बाद बता दूंगा, और हाँ सूरज मैं आपको बता दूं, सोम का लेवल जो है ना दोनों में ऐसा ही है, और एक्सी में ना थोड़ा सा टॉपिक एक आध दो टॉपिक चेंज है, लेकिन पेपर टफ नहीं आता है, बहुत आसान आता है। आई प्रॉमिस, मैंने क्या बोला, मैं अपने 35 नंबर के सोम में गारंटी देता हूं कमजोर बच्चे तक को खींच के 30 नंबर लाना है, 35 नंबर में से 30 नंबर लाना है सोम के अंदर, ठीक ना। उसके बाद तुम एफएम पकड़ लो, ऐसे 35 में से 30 60 नंबर हो गया, उसके बाद मैथ रीजनिंग मैथ और एफटी पकड़ लो, 20 नंबर 10 नंबर 15 नंबर उधर से आ गया, 20 नंबर आ गया, हो गया 80 नंबर। अरे भाई नंबर लाना इतना टफ टास्क नहीं है, कह तो रहा हूं, ठीक है सूरज मैं आपसे ही बता रहा हूं। शाहिल एक बार आप मुझसे बात करो, शाहिल एक बार आप मुझसे बात करो। सूरज कौन सा टॉपिक चेंज है सर? सूरज यू कैन ऑल्सो पर्सनली कॉन्टेक्ट विद मी, ठीक ना, unacademy.com/@alok live पे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद मी द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप ये सब बातों के लिए आप मुझसे अलग से कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा क्या है कैसे है, मैं आपको
पूरा बताऊंगा समझाऊंगा ओके। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग बस इसको ओपन कर लीजिए, आप लोगों को सारा रास्ता दिख जाएगा। tinyurl.com/gatepyq। आप में से कितने लोगों ने इसको ओपन किया है? अगर आप लोगों ने इसमें इसको ओपन किया होगा मेरे प्यारे भाइयों, tinyurl.com/gatepyq, आप लोगों ने इसको ओपन किया है? अगर आप लोगों ने इसको ओपन किया होगा तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट करने के लिए, मेरा सारा कांटेक्ट डिटेल भी है इसके अंदर, आपने इस पेज को ओपन करोगे, यहां मैंने कांटेक्ट डिटेल भी दे रखा है, तो आप आराम से यहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? पूरा दिया है, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? साहिल और सूरज आप लोग फटाफट मेरे साथ यहां से जुड़ जाओ, ठीक है? आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? और गाइस अभी आप देख रहे हो टारगेट बैच चल रहा है, ऑल स्टार बैचेस चल रहा है, रैंक बूस्टर बैच चल रहा है, और ईएससी के लिए अपन ने स्टार्ट किया प्रीलिम्स बैच, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये सारे बैचेस चाहिए तो आपको गोल पिक करना पड़ेगा गेट एंड ईएससी का, देन आपको यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, देन आपको यहाँ प्लस का तीन ऑप्शन मिलेगा, 12 मंथ प्लान, 18 मंथ एंड 24 मंथ। गाइज यहाँ जो है ना आपको ध्यान रखिएगा एक बार, आपको यहाँ ना ज्यादा, जैसे आप देख रहे हो 12 मंथ का फीस है 27,000, 18 मंथ का है 34,000, 24 मंथ का 39,000। गाइज यू कैन यूज द ईएमआई ऑप्शन, आप ईएमआई ऑप्शन यूज करते हैं ना, 1650 रुपए पर मंथ, दैट्स इट, 1650 रुपीज ओनली फॉर ईएमआई पर मंथ अवेलेबल है बेटा, ईएमआई कर सकते हो आप। आलोक लाइव कोड यूज करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाओ, ओके? चलो, सो गाइस इफ यू वांट टू जॉइन आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो 12 मंथ प्लान एंड 24 मंथ प्लान है हमारे पास, और आइकॉनिक का फीस थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, ठीक है ना? लेकिन फायदा 10 गुना ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। गाइस यूजिंग माय रेफरल कोड आपको यहां भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। एंड दिस इज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप आलोक लाइव सर्च कर लो टेलीग्राम पे जाके, फटाफट जुड़ जाओ हमारे साथ, बिल्कुल। नाउ गाइस दिस इज द इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल, और अगर इस समय आप वन एकेडमी गेट एमपीआई एक्सी पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर जरूर किया करो, और लाइक बटन को तो फिर से दबा दो मेरे प्यारे भाई, और पाप तो करना ही नहीं है, ये पाप की भागीदारी तो हमें बनना ही नहीं है, बिल्कुल ओके। सो टिल देन एंजॉय गाइस, विल मीट आवर द नेक्स्ट सेशन 8:45 AM टुमारो, ठीक है ना? चलिए कल सुबह मिलते हैं 8:45 पे। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक ले जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।